आज की इस जूम ट्रेनिंग मीटिंग में मैं आपका दोस्त होस्ट अजय शर्मा बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और हर बात की तरह एक ही बात कहना चाहूंगा कि आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, ऐसी ईश्वर की तरफ से मेरी एक प्रार्थना है कि भाई उनकी कृपा आपके ऊपर बरसे और आप स्वस्थ रहें और मस्त रहें। और आप सब लोगों ने वीकेंड को ज्वाइन कर लिया है या फिर वीकेंड को ज्वाइन करने का मन बना रहे हैं, आज की इस मीटिंग में आप आए होंगे। लेकिन मैं एक चीज पे जरूर बात करूं कि आपने अगर वीकेंड को करने का निर्णय लिया है, वीकेंड आती है नेटवर्क बिजनेस इंडस्ट्री के अंदर, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर, तो सबसे पहले आपको वीकेंड को समझने से पहले ये समझना पड़ेगा कि नेटवर्क बिजनेस आपको करना क्यों, वाई डायरेक्ट सेलिंग, वाई नेटवर्क बिजनेस क्यों करना है। जब तक आपका ये वाई क्लियर नहीं होगा तब तक आपको बहुत बड़ी सफलता नहीं मिलेगी। होता क्या है, मैं आपका रिश्तेदार हूं, दोस्त हूं, पड़ोसी हूं, मैं आपके पास आया, मैंने बोला जी एक वीकेंड कंपनी है, ये कंपनी 2 फरवरी 2022 को शुरू हुई थी और इसमें पार्ट टाइम इनकम आती है। आप कहते हो कैसे आती है, मैं कहता हूं देखो जी इसमें आपको एक प्रोडक्ट खरीदना होता है, एक हेल्थ केयर का प्रोडक्ट, कोई भी आप यहां से लेके हमारे जो पैकेज है उसको लेके आप ज्वाइन हो सकते हैं, 1600-2500 के बीच में कुछ भी आप खरीद के ज्वाइन। आप कहते हो ठीक है, फिर काम क्या करना है, कुछ नहीं, कुछ लोगों को आपने जोड़ना है, जब लोग आपके नीचे जुड़ेंगे वो सामान खरीदेंगे आपको भी पैसा आएगा। तो सुनने में ये चीजें बहुत आसान सी लगती है, तो लोग इतनी सी बात सुन के आपके साथ ज्वाइन हो जाती है। लेकिन 1-2 महीने के बाद हम क्या देखते हैं, 3 महीने बाद 4 महीने बाद वो आदमी बिजनेस छोड़ देता है। तो बिजनेस उसने छोड़ा क्यों, क्योंकि हमने केवल उसको मार्केटिंग प्लान दिखाया। या हो सकता है आप भी उनमें से हो जो अभी केवल मार्केटिंग प्लान देख के ही जुड़ गए, लेकिन एक्चुअल में नेटवर्क बिजनेस की पावर क्या है जब तक ये समझ में नहीं आएगी तब तक शायद आप और हम बहुत बड़ी सफलता को प्राप्त नहीं करें। तो वाई नेटवर्क मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग को करने की जरूरत क्या है, जबकि आप नौकरी भी कर रहे हैं, आप खेती भी करते होंगे, अपनी छोटी मोटी दुकान भी व्यापार करते हैं, तो उससे आपका घर का खर्चा तो चल रहा है, जीवन यापन तो चल रहा है, उसके साथ साथ हमें क्या जरूरत पड़ गई हमें नेटवर्क बिजनेस करना चाहिए, उसमें मैं 5 मिनट पहले चर्चा करूंगा, फिर आगे की चीजों पे हम बातचीत करेंगे कि आपका बिजनेस कैसे बढ़ा। तो सबसे पहली चीज है, देखिए डायरेक्ट सेलिंग जो है, कुछ चीजों पे हम बातचीत करते हैं। मान लीजिए आप नौकरी कर रहे हैं, अभी हम नेटवर्क बिजनेस डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस की बातें नहीं करते, या छोटी मोटी आप दुकान चला रहे हैं, तो 4-5 चीजें ऐसी जरूरी होती हैं कि अगर वो किसी इंसान के पास है तो वो एक सक्सेसफुल इंसान है, उस इंसान को दुनिया में एक सफल इंसान माना जाता है। सबसे पहली चीज क्या होती है, सबसे पहली चीज होती है अच्छी हेल्थ। अगर किसी इंसान की, चाहे गरीबी क्यों ना हो, अगर उसकी हेल्थ बहुत अच्छी है ना दोस्त, तो वो एक सुखी इंसान है, एक अमीर इंसान है। एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास पैसा बहुत है लेकिन उसको 85 बीमारी लगी हुई है, और एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास पैसा कम है और बीमारी नहीं है, तो वो उस व्यक्ति अमीर आदमी से भी ज्यादा सुखी है, क्योंकि उसका शरीर तो कम से कम सही तरीके से काम करता है। तो सबसे पहली चीज ध्यान रखिए, जीवन में सबसे जरूरी चीज होती है आपकी हेल्थ। इसीलिए कहा जाता है पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख जेब में माया। सबसे पहली चीज है आपका शरीर का स्वस्थ रहना। हाँ, हमारा शरीर भगवान ने कुछ इस तरीके से डिजाइन किया है कि 20, 25, 30, 40, 45 साल तक, 50 साल तक शायद ज्यादा बीमारियां नहीं आती हैं, लेकिन अगर हम सही खान पान नहीं करते हैं, एक एज में हम संभलते नहीं है, तो 50 साल के बाद बीमारियां ऑटोमेटिकली शरीर में आनी शुरू हो जाती है, और उसके बाद बड़ा मुश्किल होता है। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा जिनके पास पैसा भी है, एक एज में पहुंच गए, लेकिन उनसे चला ही नहीं जाता आज की डेट। तो चला नहीं जाता तो इसका मतलब आप घूमने का एंजॉय आप कहीं भी नहीं ले सकते। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा शुगर हो गई है, अब शुगर हो गई है इसका मतलब आप खाने का एंजॉय नहीं ले सकते हो। बहुत सारे लोगों को हार्ट की प्रॉब्लम हो गई है, कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत ज्यादा बढ़ गया है, इसका मतलब अब चिकनाई वाली चीजें उसके लिए प्रॉपर रूप में बंद कर दी गई। तो जब हमारा शरीर खराब होता है तो घूमना फिरना भी खत्म हो जाता है, अच्छा खाना खाना भी समझ लीजिए दुश्वार हो जाता है। तो सबसे पहली चीज है हेल्थ। दूसरी चीज होती है फाइनेंशियल फ्रीडम, पैसे की आजादी। भाई पैसा तो चाहिए ना अच्छे जीवन को जीने के लिए, आज के डेट में जिस युग में हम जी रहे हैं हर चीज के लिए पैसा चाहिए आप, और हर आदमी की इच्छा होती है मेरे पास एक अच्छा मकान हो, मेरे पास एक अच्छी गाड़ी हो, मेरे पास एक अच्छा बैंक बैलेंस हो, मेरे पास एक अच्छी इनकम सोर्स हो, जिससे वो जो पैसे जो इनकम मेरे पास आ रही है उससे मैं अपने बच्चों को अच्छी लाइफस्टाइल दे पाऊं, अपनी पत्नी को अपनी लाइफस्टाइल अच्छी लाइफस्टाइल दे पाऊं, अपने माँ बाप को अच्छी लाइफस्टाइल दे पाऊं, ये हर आदमी का एक सपना होता है। तो फाइनेंशियल फ्रीडम दूसरी चीज जो जरूरी है जीवन में।
तीसरी चीज होती है टाइम फ्रीडम, कि हमारे पास इतना समय भी हो कि अपनी जिंदगी को हम एंजॉय भी कर पाए। आप देखिए एक आदमी क्या करता है, शुरुआत में बचपन में वो पढ़ाई के अंदर उसके 25, 26, 27 साल निकल जाते, पढ़ाई के अंदर निकल जाते। उसके बाद 27 साल के बाद लगभग लगभग 60 साल की एज तक आते आते उसका काम धंधे में निकल जाता है। घूमना फिरना अपनी लाइफ को एंजॉय करना किसी के पास होता ही नहीं। आज की डेट में बहुत सारे लोग जो नौकरी पेशा हैं या छोटी मोटी दुकान चला रहे हैं, अगर उनसे आप पूछो भाई साहब टाइम है, तो कहते हैं टाइम नहीं है हमारे पास, पैसा भी नहीं है और टाइम भी नहीं है। कई लोगों के पास टाइम है तो पैसा नहीं है, तो अगर वो कहीं घूमने भी जाते हैं तो फिर उस हिसाब से नहीं घूम पाते क्योंकि उनकी जेब में उतना पैसा नहीं है। तो एक अच्छी हेल्थ भी जरूरी है, साथ में आपके पास एक वेल्थ यानी कि फाइनेंशियल फ्रीडम होना भी जरूरी है कि अपनी इच्छाओं को अपने सपनों को आप पूरा कर पाए। आज की डेट में हम मन मार के जीवन को जीते हैं, अच्छे कपड़े हम नहीं पहन पाते हैं, अच्छा मोबाइल हमारे पास नहीं है, अच्छी बाइक हमारे पास नहीं है, अच्छी कार हमारे पास नहीं है, अच्छा घर हमारे पास नहीं है, हमारे बच्चे अच्छे स्कूल अच्छे कॉलेज में नहीं पढ़ पाते, साथ में हमारे पास टाइम फ्रीडम नहीं। तो हेल्थ, साथ में वेल्थ और टाइम फ्रीडम, ये तीन चीजें जीवन में बहुत ज्यादा जरूरी हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो फैमिली सिक्योरिटी, फैमिली सिक्योरिटी का मतलब क्या है, मैं 30,000 रुपए की नौकरी कर रहा हूं, भगवान ना करे कल को मुझे कुछ हो जाए, कई लोगों क्या हो गया एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट हो गया, अब 4 महीने बेड रेस्ट पे हैं। तो वो 4 महीने इतने क्रिटिकल हो जाते हैं किसी फैमिली के लिए, जब कोई कमाने वाला इंसान बेड पे चला जाता है ना, क्योंकि मालिक तो 4 महीने की तनख्वाह घर में देता नहीं है ना, ज्यादा से ज्यादा 1 महीने की दे देगा। वो 3-4 महीने 6 महीने जब बेड पे आदमी गुजारता है, किसी के फ्रैक्चर हो गया, कोई प्रॉब्लम हो गई, तो घर में पैसा आना बंद हो जाता है। ये तो वो स्थिति बताई जहां पे 4 या 6 महीने के लिए वो आदमी बेड पे चला गया, तब उस परिवार की हालत खराब हो जाती है। लेकिन भगवान ना करे कल को अगर परमानेंट अगर कोई आदमी इस दुनिया को छोड़ के चला जाए, किसी के साथ भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन होता है एक्सीडेंट हो गया या कोई बीमारी से आदमी चल बसा, कमाने वाला इंसान जिसकी कमाई पे पूरा परिवार डिपेंड है, उस परिवार पे क्या पहाड़ टूटता है ये मुझे बताने की जरूरत है, क्योंकि कमाने वाला चला गया। तो फैमिली सिक्योरिटी भी होनी बहुत ज्यादा जरूरी है, यानी कि हमारी एक ऐसी इनकम होनी चाहिए कि कल को अगर इमरजेंसी हमारे साथ कुछ हो गई, जैसे कोरोना आया, कोरोना में क्या हुआ, जो साधारण नौकरी कर रहे थे, साधारण दुकान चला रहे थे, जिनके पास कोई सेविंग नहीं थी, सबसे ज्यादा वो लोग परेशान हो गए। कोरोना में 2 तरीके के लोग परेशान हुए थे, अगर आप वापस याद करें जाके, एक जिनका इम्यूनिटी पावर कमजोर था, जिनको कोरोना लग गया, जिनका बहुत पैसा खर्च हुआ तब ठीक होके आए, या बहुत पैसा खर्च होने के बाद भी जो इस दुनिया में आज जीवित नहीं है, इस दुनिया को छोड़ के चले गए, यानी जिनकी हेल्थ अच्छी नहीं थी वो कोरोना के अंदर परेशान थे। और दूसरे कौन से परेशान थे, जिनका जिनके पास सेविंग्स नहीं थी, जिनके बैंक में पैसा नहीं था। अगर कोई किराए पे रह रहा है तो मकान मालिक तो ये कहता था भाई मुझे तो किराया चाहिए, किसी ने दुकान अगर किराए पे ले रखी है तो मकान मालिक दुकानदार यही कहता था, दुकान का जो मालिक था, भैया काम धंधा हो रहा है नहीं हो रहा, कोरोना से मुझे मतलब नहीं है, मुझे मेरी दुकान का किराया चाहिए। मेरी बड़ी सिस्टर जो है उनका सलून है रोहिणी के अंदर, और कोरोना के अंदर 30-35 हजार रुपए किराया था, मालिक ने फिर भी 50% किराया लिया, 15,000 फिर भी लिए बंद दुकान के, और देने पड़े उन्हें, वरना सिक्योरिटी जो थी वो तो जब्त ही हो जाने थी जो लाखों रुपए की उन्होंने। तो पैसा भी जरूरी है, टाइम फ्रीडम भी जरूरी है, और फैमिली सिक्योरिटी भी जरूरी है। आप देखिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है। और तीसरी चीज की हम कोई ऐसा भी काम करें जहां पे हम लोगों की मदद कर पाए, सोशल वर्क। आज की डेट में अगर आपसे आपका कोई रिश्तेदार कह दे मेरा कहीं काम लगा दो, तो आप खुद कहोगे यार मेरा काम बड़ी मुश्किल से चल रहा है, मैं तुम्हारा काम कहां से लगा। तो सोशल वर्क, हम लोगों की कुछ मदद कर पाए, लोगों की कुछ हेल्प कर पाए, 2 तरीके से, एक तो उन लोगों को कोई अच्छा रोजगार देके, और दूसरा कल को हमारे पास बहुत पैसा हो तो फाइनेंशियली भी हम किसी की मदद कर पाए, वृद्धाश्रम में जाके कुछ डोनेट कर पाए, गरीब बच्चों को हम स्कूल में एजुकेशन दिलवा पाए। वो तभी हो पाएगा जब आपके पास पैसा अच्छा खासा, या आपका कोई रिश्तेदार पड़ोसी दोस्त किसी के साथ कोई प्रॉब्लम चैलेंज आ जाए, आप उसकी रातों रात मदद कर पाए, वो तभी होगा जब आपके पास एक्स्ट्रा पैसा बहुत ज्यादा। तो लोगों की मदद करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसके अलावा एक चीज और होती है, नेम एंड फेम, आपको आपके नाम से दुनिया पहचाने, ये बहुत ज्यादा, कि आपको आपके नाम से पहचाने। एक नौकरी करने वाले को कितने लोग पहचानते हैं, जहां वो नौकरी करता है वो पहचानते हैं, जिस पड़ोस में रहता है वो पहचानते हैं, या जिस रिश्तेदारी में रहता है वो पहचानते हो। मैं उस नेम फेम की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उस नेम फेम की बात कर रहा हूं कि जहां पे हजारों लोग आपको आपके नाम से पहचाने, अनजान लोग आपके आपको आपके नाम से पहचाने,
जिनका पड़ोसी का कोई रिश्तेदार आपका संपर्क ना हो, रिश्तेदारी का कोई संपर्क ना हो, ऐसे लोग ना केवल आपको आपके नाम से पहचाने बल्कि आपकी जीवन में बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट करें। अगर ऐसा कोई काम आप कर रहे हैं, अगर ऐसी चीज आपके पास है, तो आप एक सक्सेसफुल इंसान। नेम एंड फेम का हो, तो ये सारी चीजें जो मैंने बताई, फाइनेंशियल फ्रीडम, एक अच्छी हेल्थ, टाइम फ्रीडम, साथ में नेम एंड फेम, लोगों की मदद करना और फैमिली सिक्योरिटी, ये सारी की सारी चीज जो आप और हम नौकरी कर रहे हैं उसमें नहीं मिल सकती, ये सारी की सारी चीज जो आप और हम छोटी मोटी दुकान चला रहे हैं उसमें नहीं मिल सकती। अगर ये सारी की सारी चीजें किसी एक प्लेटफॉर्म पे मिलती हैं, किसी एक प्लेटफॉर्म पे अगर मिलती हैं, तो उस प्लेटफॉर्म का नाम है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, नेटवर्क बिजनेस जिसको हम बोलते हैं, MLM भी जिसको हम बोलते हैं। तो ये सबसे पहले आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब मैं नेटवर्क बिजनेस, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आया तो पैसा तो मैं भी कमा रहा था ना अपने काम से, लेकिन मेरे काम में नेम एंड फेम नहीं था। मेरे काम में अगर मेरी तबीयत खराब हो जाती थी, मेरे घर में पैसा आना बंद हो जाता। मेरे काम के अंदर मैं लोगों की मदद नहीं कर पाता था, किसी और को रोजगार नहीं दिलवा पाता। मेरे काम के अंदर मेरी फैमिली की कोई सिक्योरिटी नहीं थी और मेरा काम इतना स्ट्रेस वाला था कि मेरी हेल्थ खराब ही रहती थी, क्योंकि डिजाइनिंग और प्रिंटिंग का काम था, और अगर कोई काम आ गया तो उस वक्त खाना भी छोड़ना पड़ेगा और चाय भी छोड़नी पड़ेगी, सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। फोकस होता था काम पे, किसको काम टाइम से जो है काम देना, तो हेल्थ भी अच्छी नहीं रहती थी। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में आने के बाद ये सारी की सारी चीज एक प्लेटफॉर्म पे, अच्छी हेल्थ, नेम एंड फेम, फाइनेंशियल फ्रीडम, फैमिली सिक्योरिटी, सब कुछ जो है लोगों की मदद करना, ये डायरेक्ट सेलिंग में आने के बाद हम लोगों ने किया। तो आप इसको हल्के में मत लीजिए, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री और आने वाले वक्त में और बड़ी इंडस्ट्री होने वाली, और यहां तक कहा जाता है और आने वाले वक्त में ये सच्चाई आपके सामने आ जाएगी कि पहले लोग डॉक्टर्स ढूंढा करते थे, चार्टर्ड अकाउंटेंट या कोई गवर्नमेंट जॉब का व्यक्ति ढूंढा करते थे अपनी लड़की की शादी करते, लेकिन आने वाले वक्त के अंदर लोग एक नेटवर्कर, एक डायरेक्ट सेलर को ढूंढेंगे कि भैया अगर ये किसी कंपनी में डायरेक्ट सेलिंग कर रहा है 4-5 साल 10 साल से, तो इसका फ्यूचर सिक्योर है, कल को इसको कुछ हो गया है तो नॉमिनी वाइफ है, बच्चे हैं, उनको सारी जिंदगी पैसा जाएगा। नेम एंड फेम सब कुछ यहाँ मिलता है। मैंने अपनी कहानी आपको कई बार बताई है कि जब मैं डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आया था, मेरे ससुर जी को ये बिजनेस बिल्कुल पसंद नहीं था, क्योंकि मैंने अपना जमा जमाया काम छोड़ के इसको करना शुरू कर दिया था। बहुत स्ट्रगल मेरे जीवन के अंदर उस वक्त आया, क्योंकि शुरुआत में पैसा धीरे धीरे आता है, उसमें हमें नॉलेज नहीं होती। उस पर मैं अभी आगे बात करूंगा आपसे कि हम क्या गलतियां करते हैं जिसकी वजह से हमें पैसा नहीं आता, हमारा बिजनेस सही तरीके से नहीं चल पाता। तो उन्होंने बहुत मेरे को उल्टा सीधा भी बोला इस बिजनेस के लिए, लेकिन जैसे जैसे सफलता आनी शुरू हो गई और कुछ प्रोग्राम में मैंने उनको बुलाना शुरू किया, तो वो प्राउड महसूस करना शुरू कर दिया। अब अगर मैं उनको बोलता हूं मैं नेटवर्क बिजनेस छोड़ दूं, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस छोड़ दूं, तो कहेंगे पागल हो गया क्या, क्योंकि उन्होंने सेमिनार में आके देखा है कि उनकी बेटी के लिए, उनके दामाद के लिए 500 लोग तालियां बजा रहे थे। उन्होंने सेमिनार में आके देखा है कि उनके दामाद को 20 आदमी कंधे पे उठा के फूलमाला से लाद के स्टेज पे लेके जा रहे थे। शुरुआती दौर की बात बता रहा हूं, जब मेरी बहुत बड़ी सक्सेस नहीं थी। उन्होंने उस दौर को देखा है कि जहां पे वो गवर्नमेंट जॉब करते थे और मुझे ये कहते थे भाई प्राइवेट में कुछ नहीं रखा, गवर्नमेंट जॉब कल को होती तुम्हारा बहुत अच्छा रहता। एक दिन वो भी आया कि उनकी 70-80 हजार की सैलरी को क्रॉस कर गया मेरा चेक, 1.5 लाख, 1.25 लाख रुपए का जब चेक आया, तो उनको समझ में आ गया डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस की पावर क्या है। और असली समझ उनको आई कोरोना के अंदर, कि कोरोना के अंदर उनके आसपास के जितने रिश्तेदार, दोस्त, पड़ोसिया और लड़कियां थी और दामाद थे, सबके काम धंधे बंद हो गए थे, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में हमारा काम धंधा चल रहा था और हर महीने लाखों रुपए की इनकम बगैर घर से बाहर निकले हमारे घर में आ रही। उनको डायरेक्ट सेलिंग की पावर पकड़। तो ये चीज पता जब तक आपको नहीं होगी ना कि क्यों डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस आपको करना है दोस्त, तब तक आप सफल नहीं होंगे। आपने तो शायद इसको एक मेंबर बनाने वाला काम समझा। ये बिजनेस दोस्त आपकी, ना केवल आपकी जिंदगी बदलेगा, अगर इस बिजनेस को ढंग से समझ गए और वीकेंड के अंदर अगर आपने 5 से 10 साल गुजार दिए, तो आपकी तो जिंदगी बदलेगी, आपकी आने वाली कई पीढ़ियों की जिंदगी बदल जाएगी। क्योंकि आप डायरेक्ट सेलिंग के अंदर विदेशों में तो तीसरी चौथी पीढ़ी भी डायरेक्ट सेलिंग कर रही है। एक आदमी ने शुरू किया था, तीसरी पीढ़ी डायरेक्ट सेलिंग कर रही है, लेकिन हिंदुस्तान के अंदर सेकंड जनरेशन ने डायरेक्ट सेलिंग करना शुरू कर दिया है। अगर जितने भी पुरानी कंपनियों को आप देखोगे जो 18, 20, 22, 25 साल से चल रही हैं, उनके अंदर सेकंड जनरेशन आ गई है, यानी पिताजी ने शुरू किया था, बच्चे छोटे छोटे थे,
20 साल से 22 साल से पिताजी कर रहे हैं, आज 22 साल 24 साल के बाद उन बच्चों को नौकरी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पिताजी का चेक भी बहुत बड़ा हो चुका है, साथ में वो अपने पिताजी के साथ अपने माताजी के साथ डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को कर रहे हैं। ये पावर है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, यानी सब कुछ अगर आप चाहते हैं 5 से 10 साल में आपकी जिंदगी एक सही डायरेक्शन में चलने शुरू हो जाए, तो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस से बढ़िया कोई सिस्टम नहीं होना चाहिए। इसको सबसे ज्यादा सीरियस आपको रमे करना चाहिए। बाकी नौकरी कब चली जाएगी पता नहीं है, दुकान कब बंद हो जाएगी पता नहीं है, ग्राहक कब दूसरी जगह चला जाएगा पता नहीं है, कब आपके साथ इमरजेंसी हो जाएगी पता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तो टीम वर्क काम होता है ना। जिस टीम को आप बनाने में झिझक रहे हो, जिस टीम को बनाने के लिए आप निकलते नहीं हो, सीरियस नहीं होते हो, अगर गलती से एक बार आपने एक मजबूत टीम बना दी, फिर आप सो भी जाओगे ना, सोते सोते भी आपके अकाउंट में पैसा है। जिनको ये समझ में आता है वो घर से निकल के टीम बनाते हैं, तो थोड़ा सा सीरियस आपको इसके लिए होना पड़ेगा। अब हम आगे बात करते हैं। ये चीज पता होने के बावजूद भी कि ये सब कुछ डायरेक्ट सेलिंग से मिलता है, उसके बावजूद भी दो तरीके के आदमी जो हैं हमें डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर मिलते हैं, और आप भी उनमें से। सबसे पहले व्यक्ति तो वो हैं जिनको पता ही नहीं, जिनको एक्चुअल में पता ही नहीं है कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस क्या है और हमें इसको क्यों करना चाहिए। आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको अभी नहीं पता, आज ही शायद ढंग से आपने समझाओ, पर अभी मैंने बहुत डिटेल में नहीं समझाया, लेकिन इतनी डिटेल काफी है समझने के लिए कि फाइनेंशियल फ्रीडम, अच्छी हेल्थ, टाइम फ्रीडम, फैमिली सिक्योरिटी, लोगों की मदद करना, और साथ में आपका नेम एंड फेम, ये सब कुछ एक प्लेटफॉर्म पर मिल सकता है। आपकी खुद की पहचान, आज अजय शर्मा को आप गूगल पर सर्च करेंगे मिल जाऊंगा, आप इंस्टाग्राम पर सर्च करोगे मिल जाऊंगा, आप यूट्यूब पर सर्च करोगे मिल, और लाखों फॉलोवर्स हैं पूरे हिंदुस्तान के अंदर। ये नेम एंड फेम जो है वो डायरेक्ट सेलिंग के अंदर हमें मिला है। हिंदुस्तान की कोई भी कंपनी, चाहे वो नेशनल इंटरनेशनल कंपनी हो या इंडियन कंपनी, उसकी टॉप मैनेजमेंट और टॉप लीडरशिप अजय शर्मा को अजय शर्मा के नाम से जानती है। ये नेम एंड फेम हमें यहाँ से मिला। अगर मैं डायरेक्ट सेलिंग नहीं करता तो मैं तो गुमनामी के अंधेरे में था, वही 400-500 फेसबुक फ्रेंड होते, वही पोस्ट मैं डालता रहता, यहाँ शादी में जा रहा हूँ, यहाँ ये कर रहा हूँ, यहाँ ये कर रहा हूँ, यही चलता रहता, राजनीति की पोस्ट और ये सब कुछ चलता रहता, नेम एंड फेम तो नहीं मिलता। तो दो तरीके के लोग, एक जिनको पता ही नहीं है कि नेटवर्क बिजनेस क्या है और क्यों कर, इनका दुख नहीं होता हम लोग, और ना दुख करना चाहिए क्योंकि इस बेचारे को पता ही नहीं है क्या है और क्यों करना है। लेकिन दूसरे वो लोग हैं जिनको ये पता भी है कि नेटवर्क बिजनेस क्या है और क्यों करना चाहिए, नेटवर्क बिजनेस क्या है ये भी पता है उस आदमी को, और क्यों करना चाहिए ये भी पता है। ये आदमी जब नहीं हिलता और ये आदमी जब काम नहीं करता ना, ये बड़ा दुख बनता, यहाँ पे बड़ा दुख होता है यार, इस इंसान को क्या प्रॉब्लम, भाई जिसको नहीं पता उसको नहीं पता बेचारे को, उसको तो हमें समझाना पड़ेगा, लेकिन जिसको पता भी है वो सीरियसली काम नहीं करना ना, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है दुनिया के। तो अगर आप भी उनमें से हैं जिसको आपको डायरेक्ट सेलिंग की ताकत भी मालूम है और क्यों करना चाहिए ये भी मालूम है, उसके बावजूद अगर आप सीरियस नहीं हो रहे हैं तो ये समझ लीजिए आप जीवन की एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, और जितना जल्दी इस गलती से आप बाहर निकल जाएंगे उतना जल्दी आपके लिए बढ़िया, क्योंकि पता होने के बाद भी अगर मैं नहीं कर, भाई किसी को शुगर हो गई, अब डॉक्टर ने बोला भी मीठा खाना बंद करो, अब पता है उसको शुगर हो गई, अगर नहीं बंद करोगे तो और ज्यादा प्रॉब्लम होगी। अगर आपने अपनी जीवन दिनचर्या को, जीवन शैली को नहीं सुधारा तो आपको और ज्यादा प्रॉब्लम्स आने वाले वक्त में हो जाएगी। पता लग गया लेकिन उसके बावजूद भी आदमी सुधर नहीं रहा, उन चीजों को फॉलो नहीं कर रहा है, तो ऐसे आदमी को आप क्या बोलेंगे, बेवकूफी बोलेंगे। किसी को हार्ट की प्रॉब्लम हो गई, ब्लॉकेज हो गई, अब डॉक्टर कह रहा है चिकनाई वाली चीजें बंद कर दो, ड्रिंक्स बंद कर दो, सिगरेट बीड़ी बंद कर दो, लेकिन वो बंद ही नहीं करता, उसको मरने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, गलती किसकी है, उसकी खुद की है। तो जिस इंसान को ये पता लग गया डायरेक्ट सेलिंग की पावर क्या है और क्यों करना चाहिए पता, सब कुछ पता है, उसके बावजूद भी अगर कोई हिल नहीं रहा है तो फिर मैं कहूंगा उसकी किस्मत बहुत खराब है, उसको बहुत ज्यादा आने वाले वक्त में बड़ा दुख होगा, और आने वाले वक्त में हो सकता है उनके परिवार में जो आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो उनको कोसे कि सब कुछ पता होने के बाद भी आपने डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस क्यों, क्योंकि आप अगर बहुत पुराने समय में जाके देखेंगे तो बहुत सारे काम ऐसे थे, आज मैं भी कई बार सोचता हूँ, आप भी कई बार सोचते हैं, काश उस वक्त पे ये काम कर लिया होता तो यार आज जिंदगी सेट होती, अब ना वो काम हम कर सकते हैं, वो टाइम निकल गया, ऐसी डायरेक्ट सेलिंग का टाइम ना निकल जाए आपका कि आने वाले वक्त में टाइम बहुत निकल जाए और उसके बाद आप करना भी चाहें तो आपसे ना, इसलिए आज से अभी से हमें सीरियस होकर डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को शुरू करना चाहिए। अब डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को जब आप शुरू करते हैं तो यहाँ पे आपको एक नेटवर्क बनाना, अगर नेटवर्क बनाए, इस चीज को समझ लीजिए आप, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस नेटवर्क बिजनेस में एक नेटवर्क बनाना पड़ता है, जब तक आपका नेटवर्क यानी कि एक बड़ी और मजबूत टीम नहीं बनेगी आपको पैसा नहीं आएगा।
लोगों को अभी ये भी समझ में, लोग ये सोचते हैं मैं जुड़ गया, मैंने एक प्रोडक्ट खरीद लिया, शायद मुझे पैसा, लोग ये सोच लेते हैं शायद दो चार आदमियों को मैंने जोड़ दिया पैसा। एक साधारण सी बात से मैं समझाता हूँ, मान लीजिए एक परचून की दुकान आपने खोली और केवल चार ग्राहक आए, केवल दो ही आदमी आए सामान खरीदने के लिए। आज आपने दुकान खोली और दो ही आदमी आए तो बड़ी खुशी हुई यार, दो आदमी तो सामान खरीदने आए पहली बार, लेकिन पूरा महीना कोई नहीं आया और अगले महीने वो दो ही आदमी आए सामान खरीदने के लिए, कैसा लगेगा आपको? आपका किराया निकालना मुश्किल हो जाएगा, आपका सामान खराब होना शुरू हो जाएगा। उस परचून की दुकानदार की एक ही सोच होती है, ज्यादा से ज्यादा ग्राहक कैसे हैं, तो वो उन दोनों ग्राहक को अच्छी सर्विस देता है, उनको भी बोलता है भाई साहब दुकान खुल गई और चार लोगों को बताना। अपनी दुकान को चलाने के लिए हर तरीके का प्रयास और प्रमोशन वो करता है, बोर्ड लगाता है, ठीक है, बाहर सामान लगा के बैठता है कि आने वाले लोगों की निगाह पड़े, यहां तक कि उधारी भी देता है कस्टमर बनाने के लिए, एक दो रुपया सस्ता भी देता है, अपना व्यवहार भी अच्छा रखता है। और वहां पे मीटिंग ट्रेनिंग में जाने का बहुत सारे लोगों के जीवन का बदलाव होता है। वहां पे हम किस लिए जा रहे हैं? वहां पे हम डांस मस्ती खाने के लिए नहीं जा रहे हैं, वहां पे हम किस लिए जा रहे हैं? ऑलवेज बी कोचेबल, सीखने के लिए हम लोग जा रहे हैं। वो प्रोग्राम किस लिए? सीखने के लिए, इस बिजनेस को कैसे आप चलाएंगे, कैसे इस बिजनेस में आगे बढ़ा जाएगा, वो ट्रेनिंग सीखने के लिए आप आएंगे, साथ में अपनी टीम को ट्रेन करवाने के लिए आपको आना। अगर आपको आता है तो अपनी टीम को ट्रेन करवाने के लिए हमें सेमिनार ट्रेनिंग मीटिंग को अटेंड करना चाहिए। तो अगर आप जूम में नहीं आते हैं, अगर आप ट्रेनिंग में नहीं आते हैं, अगर आप सेमिनार में नहीं आते हैं, तो फिर बड़ी इनकम आपको नहीं आने वाली, क्योंकि आप सीखने के लिए तैयार हैं। ज्यादातर लोग जो नेटवर्क बिजनेस में फेल होते हैं, है ना, जो फेल हो जाते हैं, जो कहते हैं कि मैंने भी किया था काम, उनसे पूछ के देखो कंपनी के मालिक का नाम क्या था, नहीं पता, कंपनी कहाँ की थी नहीं पता, कंपनी का मार्केटिंग प्लान नहीं पता, कंपनी के प्रोडक्ट्स कितने थे नहीं पता, उनका प्राइस क्या था नहीं पता, पैसा कैसे आता था नहीं पता, गलती कहाँ पे की? ऑलवेज बी कोचेबल वाले सिस्टम में नहीं रहे, सीखने के लिए नहीं रहे। लेकिन जिस व्यक्ति को प्लान की भी नॉलेज है, जिस व्यक्ति को प्रोडक्ट की भी नॉलेज है, जो मीटिंग ट्रेनिंग सेमिनार में भी आता है, जो सिस्टम को भी फॉलो करता है, अपलाइन की बात को भी मानता है, हमेशा सीखने के लिए तैयार रहता है, ऐसा हो ही नहीं सकता सर उसके अकाउंट में पैसा ना जा, कम जा रहा होगा लेकिन लगातार कुछ ना कुछ जा रहा। तो दूसरी क्वालिटी, हमेशा सीखने के लिए तैयार है, और तीसरी चीज कंसिस्टेंसी, लगातार इस काम को करते रहें। ये तीन क्वालिटी जिस व्यक्ति ने अपने अंदर आज से भी डेवलप कर लेना, अगले 5 साल में उसकी जिंदगी पूरी तरीके से बदलने वाली है, ये मैं गारंटी दे रहा हूं। सबसे पहली चीज, सफलता की भूख आज के बाद अपने अंदर पैदा करो। दूसरा, हमेशा सीखने के लिए तैयार रहो, सीखने से बचने की कोशिश मत करो, हर मीटिंग हर ट्रेनिंग में आपकी उपस्थिति होनी चाहिए अगर आपको बेहतरीन लीडर बनना है। और तीसरी चीज, लगातार इस काम को करना है। बीच में चैलेंज आएंगे, दिक्कत आएंगी, परेशानी आएंगी, ठीक है, फिर भी इस काम को करना है। मैं तो देखता हूँ कई गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, टीचर हैं, राजस्थान में भी हुआ है और हमारे इधर हरियाणा में भी चल रहा है, सर दो दो तीन तीन साल से सैलरी नहीं मिली है, लोग छः छः महीने बाद, तीन तीन महीने बाद सैलरी मिलती है। दिल्ली के कई ऐसे डिपार्टमेंट है, तीन तीन महीने बाद सैलरी मिलती है, इससे बड़ा चैलेंज क्या होगा बताइए? 3 महीने काम करने के बाद भी पैसा नहीं मिल रहा, चौथे पांचवें छठे महीने में जाके सैलरी मिलती। यहां तो आप भाई साहब 4-5 तारीख को आपके अकाउंट में पैसा आ जाता है, एवरी मंथ। तो कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा जरूरी है, ध्यान रखिए, अगर आप कंसिस्टेंसी लगातार इस काम को नहीं करेंगे तो फिर बहुत ज्यादा मुश्किल होगी। तो इन तीन चीजों को हाईलाइट कर लीजिए, लिख लीजिए कहीं भी कि आज के बाद सफलता के लिए मेरी चाहत मजबूत होगी, अपने आप अपने परिवार को एक अच्छी जिंदगी मैं दूंगा, इसके लिए मुझे 3-5 साल अपने आप को झोंकना पड़ेगा। दूसरा, हमेशा सीखने के लिए मैं तैयार रहूंगा। और तीसरा, 3-5 साल मैं लगातार इस काम को करूं। अब लगातार 3-5 साल क्या काम कर रहे हैं उन पर मैं चर्चा करते हैं, 5-10 मिनट 15 मिनट हमारे पास, उसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। सुना कई बार है, थोड़ा जल्दी जल्दी मैं इस टॉपिक को आपको समझाता हूँ। देखिए, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आपके बेसिक्स जितने मजबूत होंगे ना, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आपके बेसिक जितने मजबूत होंगे, आपकी सफलता उतनी बड़ी और उतनी मजबूत होगी। बेसिक्स, 7 बेसिक्स हमने कई बार आपको बताए, अगर इन 7 बेसिक्स को आपने अपने अंदर, सबसे पहले किसको डेवलप करना पड़ेगा 7 बेसिक्स को? मुझे खुद को करना, सबसे पहले मैं तैयार होऊंगा उसके। अगर किसी चीज के लिए मैं तैयार नहीं हूं, मैं आपको कैसे तैयार कर सकता? अगर मैं डॉक्टर हूं तो मैं आपको डॉक्टर बनने का रास्ता बता सकता हूं। मुझे सिंगिंग अगर आती है तो मैं आपको गाना कैसे सिखाया जाता है मैं सिखा सकता हूं, ठीक है। मुझे गाड़ी चलानी आती है, मैं आपको गाड़ी चलानी सिखा सकता हूं। मुझे तैरना आता है तो मैं आपको तैरना सिखा सकता हूं, लेकिन मुझे अगर तैरना नहीं आता तो मैं आपको तैरना नहीं सिखा सकता। अगर गलती सिखाऊंगा तो बेवकूफी हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगी, परेशानी।
तो डायरेक्ट सेलिंग में आपके बेसिक्स मजबूत हो गए तो आपकी सफलता बहुत मजबूत होगी, ध्यान रखिएगा। आपके बेसिक्स बोल रहा हूं मैं, आपके बेसिक्स, अगर आपने अपने बेसिक्स को मजबूत कर लिया तो आपकी सफलता बहुत मजबूत है। और सिक्स बेसिक जो है ना वो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस आपके बिजनेस की फाउंडेशन है। सिक्स सेवन बेसिक जो है ये आपके बिजनेस की फाउंडेशन है। फाउंडेशन का मतलब नींव है। एक मजबूत नींव होगी तो एक बड़ी बिल्डिंग का निर्माण होगा, एक बड़ी बिल्डिंग खड़ी होगी। लेकिन नींव ही कमजोर आपने रखी, नींव कमजोर का मतलब क्या है, जैसे मर्जी लोगों को आप जोड़ रहे हैं तो उसका मतलब क्या है, आपकी फाउंडेशन मजबूत नहीं हो रही। बिजनेस किसका मजबूत होता है, बिजनेस रेगुलर किसका आता है, बिजनेस रेगुलर किसका बढ़ता है, इस बेसिक चीज को आज से आप समझना शुरू कर दीजिए। जिसकी फाउंडेशन मजबूत होगी, जो अपनी टीम में खुद भी मजबूती से खड़ा होगा और जिन लोगों को जोड़ रहा है उनको भी सेवन बेसिक्स पे ले आएगा, उसकी फाउंडेशन मजबूत होगी। अभी हो क्या रहा है, अभी तो मेरे खुद के सेवन बेसिक्स ठीक नहीं है, मेरे खुद के, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, मतलब आपकी बात कर रहा हूं, मेरे खुद के यानी आपके खुद के ही बेसिक्स सेवन ठीक नहीं है। जब मेरे खुद के सेवन बेसिक्स ठीक नहीं होंगे तो मैं नीचे की फाउंडेशन कैसे मजबूत कर पाऊं, नहीं कर पाऊंगा, कभी भी नहीं कर पाऊंगा, ना होगी कब। तो सबसे पहले अगर आप चाहते हैं आपकी टीम मजबूत बने तो सबसे पहले आपको मजबूत बनना। अगर आप मजबूत बन गए तो आपकी टीम आज नहीं तो कल निश्चित बनेगी मजबूत, ये समझ लीजिए। अगर आप सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं ना तो आपकी टीम में सभी लोग सिस्टम को फॉलो करने वाले आएंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता कि सिस्टम को फॉलो करने वाले। दिक्कत क्या है, हम कभी भी इस पे सीरियसली काम नहीं कर। तो सबसे पहले आप सब लोगों को देखना, ये सेवन बेसिक्स जो मैं बता रहा हूं क्या आप एज इट इज फॉलो कर रहे हैं। अगर आप नहीं कर रहे हैं तो यहीं से गड़बड़ हो गया, यानी कि पहली ही ईंट गलत रख दी गई है। टेढ़ी है तो वो पूरी बिल्डिंग टेढ़ी बनेगी, और टेढ़ी बिल्डिंग खतरनाक होती है। एक ईंट निकल गई, धड़ाधड़ पूरी बिल्डिंग गिर गई। अगर नींव ही मजबूत नहीं है तो बिल्डिंग का कोई औचित्य नहीं, वो कब गिर जाएगी पता नहीं, हवा के चलने से गिर जाएगी, भूकंप तो बहुत दूर की बात। लेकिन अगर नींव मजबूत हो गई, बड़े से बड़ा भूकंप आ जाता ना, बिल्डिंग नहीं गिरती दोस्त, उसमें रहने वाले लोग सुरक्षित रहते हैं पूरी जिंदगी। तो दिक्कत कहां हो रही है, प्रॉब्लम कहां हो रही है, हम लोग अपने ना बेसिक्स को मजबूत नहीं कर रहे, फाउंडेशन को मजबूत नहीं कर रहे। किसी भी अच्छी कंपनी, बड़ी कंपनी के अंदर, बड़ी कंपनी कब होती है, जब उसमें काम करने वाले लोग मजबूत होते हैं, समझदार होते हैं, सिंसियर होते हैं, नॉलेजेबल होते हैं, तभी उस कंपनी को ऊंचाइयों पर लेके जाते हैं। अच्छी टीम कब मैच जीती है, जब उसके प्लेयर्स टेक्निकली बड़े साउंड होते हैं, उनको नॉलेज होती है अपने गेम की, परफेक्ट होते हैं वो लोग, वही लोग मैच जीतते हैं। पॉलिटिक्स के अंदर कौन सी पार्टी जो है जीतती है, जिसके कार्यकर्ता से लेके टॉप जो अध्यक्ष होते हैं उस पार्टी के, जो ओनर होते हैं, वो सब एक लाइन के अंदर अपने एक बहुत बड़े विजन के साथ चल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जिसको नॉलेज नहीं है वो मार्केट में चला जाएगा, उसको कोई जिता देगा, इसकी कोई जान पहचान नहीं है, उसको पहचान नहीं है, उसको कोई जिता देगा, ऐसा नहीं होता। सेम डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में अगर आप ऐसे लोगों की भर्ती करते रहेंगे और खुद भी सिस्टम पे नहीं आएंगे, बेसिक्स पे नहीं आएंगे, और उनको भी बेसिक्स पे नहीं लाएंगे, फिर क्या होगा, फिर वो ताश के पत्ते वाली आपकी टीम बन रही है, किसी ने फूंक मारा और गिर गए, और यही आपके साथ होगा। तो सबसे पहले आज से जितने भी लोग इस मीटिंग में हैं, सबसे पहले अपने आप को आपको चेक करना है। अगर ये काम आप नहीं कर रहे हैं साथ, इनमें अगर आपकी मजबूती नहीं है, स्वयं की मजबूती नहीं है, तो आप अपनी टीम को कभी भी मजबूत नहीं बना सकते। सबसे पहले मुझे मजबूत बनना पड़ेगा, सबसे पहले मुझे मजबूत बनना पड़ेगा, तब जाके मैं अपने परिवार के सपनों को पूरा कर पाऊंगा, तब मिलेगी मुझे बड़ी सफलता। अगर मैं ही ढीला ढाला, मैं ही चीजों को फॉलो नहीं कर रहा हूं, फिर नहीं मिल सकता। अगेन याद दिला रहा हूं, तीन चीजें इससे पहले चाहिए आपको, ये जो छह काम सात काम बताऊंगा इससे पहले तीन चीजें चाहिए। पहली चीज, हंगर ऑफ सक्सेस, सफलता की चाहत होनी चाहिए, भूख होनी चाहिए। दूसरी चीज, ऑलवेज बी कोचेबल, हमेशा सीखने के लिए तैयार रहना। तीसरी चीज, कंसिस्टेंसी, छोड़ूंगा नहीं। ये तीन चीजों के बाद ये सात काम जो है अब लगातार रखो, अब चलेगा। ऐसा नहीं कि सात काम तो कर रहे हो लेकिन तीन महीने के लिए कर रहे हो, सात काम तो कर रहे हो लेकिन छह महीने के लिए कर रहे हो, फिर नहीं चलने वाला। अगर डॉक्टरी की पढ़ाई तीन साल की है तो तीन साल आपको लगातार ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी ना, एक साल में तो डॉक्टर नहीं बन सकते ना दोस्त। तो तीन से पांच साल, अब जो बातें मैं बता रहा हूं इनको सीरियसली आपको समझना है। तो सिक्स बेसिक क्या है, फाउंडेशन है, सेवन बेसिक, इनके बगैर आप इस बिजनेस में सफल नहीं हो सकते। सबसे पहली चीज इसके अंदर क्या है, यूज द प्रोडक्ट। सबसे पहली चीज क्या है, यूज द प्रोडक्ट।
और दूसरी चीज के अंदर आती है रिटेल द प्रोडक्ट, यूज द प्रोडक्ट एंड रिटेल द प्रोडक्ट। सबसे पहले आपको क्या करना है, प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना है। जिस कंपनी में आप जुड़े हुए हैं वीकेंड के अंदर, इसके प्रोडक्ट को रेगुलर इस्तेमाल करना, ये बहुत ज्यादा। इसी में दूसरा पार्ट आता है कि रिटेल द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट सेल भी करना। हर आदमी आपके साथ बिजनेस में नहीं जुड़ेगा, तो हमारे पास हेल्थ केयर के प्रोडक्ट हैं और आपके नजदीक में हर घर पर, हर परिवार के अंदर कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति बैठा है जो हेल्थ डिजीज से गुजर, बीमारियों से गुजर रहा, उनको अपना प्रोडक्ट सेल करना, ठीक है। और तीसरा, आपके घर में जब कोई व्यक्ति है, आपके घर में जब कोई व्यक्ति आए तो इस तरीके का एक डिस्प्ले होना चाहिए जहां पे आपके प्रोडक्ट बिल्कुल सामने रखे होने चाहिए, यानी डिस्प्ले वॉल, डिस्प्ले योर प्रोडक्ट। आपके फेसबुक पे वीकेंड शेयर होना चाहिए, वीकेंड के प्रोडक्ट शेयर होना चाहिए, क्योंकि फेसबुक से आज की डेट में आपकी पहचान है। आपके व्हाट्सएप स्टेटस से पता होना चाहिए बीच बीच में कि आप वीकेंड कर रहे हैं, आप हेल्थ केयर के प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं, आप कोई एक अच्छा बिजनेस कर रहे हैं। फेसबुक पे अगर राजनीति की फोटो डली हुई है तो होने वाला नहीं है, कॉमेडी की फोटो डली है तो होने वाला नहीं है, शादियों की फोटो डली है तो नहीं, वहां कभी कभार आप शादी फंक्शन में जा रहे हो कोई दिक्कत नहीं, डाली आप, लेकिन आप हमेशा शादी की फोटो डाले जा रहे हैं, 15 दिन हो गए, अब किसी और चीज की वीडियो चल रही है, वीकेंड गायब भी हो गया है, तो आपके, आपको जो फॉलो भी कर रहे थे, जो आपके साथ आना भी चाहते थे ना, वो समझ जाते हैं ये आदमी अब सीरियस नहीं है वीकेंड के अंदर। आप ध्यान रखिए, मैंने बोला 3 साल से लेके 5 साल बाहर की दुनिया वीकेंड में ज्वाइन करे या ना करे, फॉलो कर रहे हैं हमें, हमें हमें वॉच कर रहे हैं वो लोग। ऐसे ही आपको भी लोग वॉच कर रहे हैं कि आपके साथ जुड़े या ना जुड़े, लेकिन 2 साल किसी ने काम किया और 2 साल के बाद अब वो 1 महीने से उसकी फेसबुक उठा के देख लीजिए, वीकेंड की कोई पोस्ट नहीं है, वो किसी मीटिंग में नहीं आता, सब कुछ खत्म हो गया, जीरो हो गया उसका बिजनेस। अब जो उसको फॉलो कर रहे थे, जो आना भी चाहते थे, वो कहेंगे यार अच्छा हुआ यार इसके साथ फंसा नहीं, ये तो कुछ छोड़ के बैठा हुआ। आपको बिजनेस चेक नहीं भी आ रहा, तब भी आप जो काम कर रहे हो उसका भाई साहब आपका, उसको रेगुलर जो उसकी पोस्ट है वो आपके उस पर डालना चाहिए। तो यूज द प्रोडक्ट, रिटेल द प्रोडक्ट, ये दूसरा काम भी करना पड़ेगा। और आपके घर के अंदर अगर कोई एंटर करता है तो उसको पता होना चाहिए कि आप एक हेल्थ केयर के प्रोडक्ट से जुड़े। अब यूज द प्रोडक्ट क्यों करना है, और सबसे पहले चीज है आपके साथ लोग जुड़े या ना जुड़े, ये तो मैं मान लेता हूँ, चलो आप जाएंगे तो लोग मना कर सकते हैं, आपके साथ टीम नहीं बनेगी तेजी से, आपकी शुरुआत में जल्दी नहीं बनेगी, लेकिन ये काम जो है प्रोडक्ट इस्तेमाल करना, इसमें इसमें कहां प्रॉब्लम है मुझे बताइए। प्रोडक्ट कोई आदमी आपके साथ जुड़ेगा नहीं जुड़ेगा दूसरे के ऊपर डिपेंड है, लेकिन प्रोडक्ट खरीदना तो 100% आपके ऊपर डिपेंड है, आपके हाथ में ही 100%, या इसके लिए किसी रिश्तेदार पड़ोसी से पूछना पड़ेगा, आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। अपनी हेल्थ को अच्छा करना है, अपने लिए प्रोडक्ट खरीदना है, इसके लिए तो किसी से पूछना नहीं है। अगर ये पहला ही काम आप नहीं कर रहे हो तो फिर तो भूल जाओ कि आप नेटवर्क बिजनेस में सफल हो पाओ, और भूल जाओ आप किसी से खरीदवा भी पाओ, क्योंकि मैं खुद ही नहीं खरीदू। पिताजी सिगरेट पी रहे हैं, बच्चे ने भी पीनी शुरू करी, पिताजी उसको ज्ञान दे रहे हैं बेटा सिगरेट मत पी गंदी आदत होती है, तो कहेगा पिताजी पहले आप छोड़ो ना। एक आदमी खूब सिगरेट पीता है, खूब दारू पीता है, वो अपने बच्चों को कैसे ज्ञान दे सकता है, समाज में कैसे ज्ञान दे सकता है कि दारू और सिगरेट बेकार चीज है, नहीं दे सकता ना दोस्त। सबसे पहले उसको छोड़नी पड़ेगी, अनुभव भी ले लिया तो छोड़नी पड़ेगी, फिर वो बताएगा भाई ये नुकसान मुझे हुए आप मत पी। या जो पीता नहीं होगा वो ज्ञान दे सकता है, लेकिन जो पी रहा है वो कैसे ज्ञान देगा। अब जो सामान नहीं खरीद रहा वो अपनी टीम में कैसे ज्ञान दे सकता है सामान खरीद। इसीलिए मैं कह रहा हूं सबसे पहले 7 बेसिक्स के लिए मुझे यानी आपको तैयार होना है दोस्त। अगर आप इसमें परफेक्ट हो गए ना, सारी दुनिया आपके साथ परफेक्ट हो। अगर आपने मान लिया कि मैं 7 बेसिक्स करता हूं और मेरी टीम में मैं हर आदमी से 7 बेसिक्स करवाना शुरू करूंगा, अगर आप हर व्यक्ति को 7 बेसिक्स की ट्रेनिंग सही तरीके से रेगुलर दोगे, लगातार दोगे, पहली बार में समझ में नहीं आएगा, 6-6, 8-8 महीने बाद 7 बेसिक समझ में आते हैं, तो तब आते हैं सिस्टम के ऊपर, तब बननी शुरू होगी आपकी एक मजबूती। हम बुनियाद वाला काम ही नहीं कर रहे, हम जोड़ रहे हैं छोड़ रहे हैं, जोड़ रहे हैं छोड़ रहे हैं, जोड़ रहे हैं छोड़ रहे हैं। तो यूज द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट इस्तेमाल करना 100% आपके हाथ में, इसमें कोई बहाना कोई एक्सक्यूज नहीं। अगर आप नहीं खरीदते तो आप अपनी अपने लिए खुद बहाना क्रिएट कर रहे हैं, फिर तो आप ही गलत हैं, कोई दूसरा गलत नहीं। तो 100% प्रोडक्ट इस्तेमाल करना, जो भी हमारी कंपनी में हेल्थ केयर के प्रोडक्ट हैं ये हर महीने इस्तेमाल करना, ये आपके हाथ में आप कर सकते हैं। क्यों प्रोडक्ट इस्तेमाल करना है, 2 मिनट में इसके ऊपर लेता हूं। प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। जब आप प्रोडक्ट खाएंगे आपके शरीर के अंदर चेंजेस आएंगे। अब एक आदमी कहता है सर E30 खाने, अब मैं किसी को E30 देना चाहता हूं सर, उनकी एनर्जी वीक है सर, वो मेरे से पूछ रहे हैं, मैं इनके पास बैठा हूं सर एक बार बात कर लीजिए कैसे एनर्जी आएगी, इसका मतलब उसने खुद नहीं खाया। जिसने खाया होगा ना वो खुद बताएगा सर मैंने खाया है,
मेरी एनर्जी हो गई सर, मुझे आज अच्छी नींद आती है सर, है ना, मैं बहुत एक्टिव रहता हूँ सर, मेरा बीपी कंट्रोल हो गया है सर, मेरा शुगर कंट्रोल हो गया है सर। जिसने प्रोडक्ट खाया होगा वो तो खुल के बताएगा ना दोस्त, और जिसने खाया ही नहीं है, जो कभी खाता ही नहीं है, वो कंफ्यूज है। तो प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, इसलिए आपको रेगुलर प्रोडक्ट अपना इस्तेमाल करना चाहिए। दूसरा, आप इस्तेमाल करोगे तो अपनी आपकी टीम इस्तेमाल करेगी, अगर आप इस्तेमाल करोगे तो अपनी टीम से आप इस्तेमाल करवाओगे हर दिन। एक फाइल बनाइए जिसमें मैंने बोला आपके पे आउट्स भी होने चाहिए, एक फाइल बनाइए जिसमें आपके प्रोडक्ट के टेस्टिमोनियल होने चाहिए, और उसी फाइल के अंदर आपकी हर महीने की सेल परचेज की इनवॉइस होनी चाहिए। जहां भी मीटिंग में जा रहे हो उस फाइल को खोल के दिखाइए, ये देखिए सर जिस महीने से मैं जुड़ा हूं उस महीने से लेके आज तक मेरी खुद की सेल परचेज हुई है तो मुझे सफलता मिल रही है। आपकी टीम में सही मैसेज जाएगा, आपकी टीम में प्रॉपर मैसेज जाएगा, लोग उसको डुप्लीकेट कर। व्हाट्सएप पे तो डालते हो बहुत अच्छी बात है, फेसबुक पे डालते हो बहुत अच्छी बात है, फाइल मेंटेन होनी चाहिए सर। उस फाइल के अंदर आपकी सेल परचेज की एक एक इनवॉइस उसके अंदर होनी चाहिए जो आप लोगों को दिखा सको। सर देखिए हर महीने जिस महीने से जुड़ा हूं आज तक ऐसा नहीं हुआ कि मैंने अपनी सेल परचेज ना की, ये मेरी सफलता का राज है। तब सामने वाली टीम सीखे, देख के आदमी जो है ज्यादा सीखता है सर, सुन के नहीं, देख के आदमी ज्यादा सीखता है। आपके चेक्स उसमें लगे होंगे, 700 का भी है, 2000 का भी है, 5000 का भी है, 10000 का भी है, तो देखेगा यार पैसा आता है। टेस्टिमोनियल उसमें अगर आपने लगा रखे हैं, मैंने इन लोगों को प्रोडक्ट दिए थे, देखिए सर इनकी शुगर ठीक हो गई, इनका माइग्रेन ठीक हो गया, इनका जॉइंट पेन ठीक हो गया, इनका बीपी ठीक हो गया, इनको नींद नहीं आती थी ठीक हो गया, वो जब दिखाएंगे लोगों को बिलीव होगा सर, हम काम ही नहीं करते सर। तो प्रोडक्ट इस्तेमाल करोगे तो आपकी टीम भी प्रोडक्ट इस्तेमाल करेगी। और तीसरा, आपकी वैल्यू, जब आप रेगुलर प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हो ना तो आपकी वैल्यू आपकी कंपनी में, आपकी अपलाइन में और आपकी टीम की निगाह में अच्छी बनती है। जो इंसान रेगुलर प्रोडक्ट नहीं खरीदता तो कंपनी देख लेती है, भाई इस लीडर ने तो प्रोडक्ट ही नहीं खरीदा, तो कंपनी की निगाह में आपकी वैल्यू क्या हो गई, डाउन हो गई। और कहीं भी आप नौकरी भी कर रहे हो ना दोस्त, अगर मालिक की निगाह में आपकी वैल्यू डाउन हो गई ना तो आपकी जिंदगी में कभी प्रमोशन नहीं होगी, ध्यान रखिए, मालिक की कृपा हट जाएगी। सेम डायरेक्ट सेलिंग में भी है, मैनेजमेंट के सामने अगर आपकी वैल्यू डाउन हो गई ना, उसको बनाना फिर बड़ा मुश्किल है, फिर बड़ा मुश्किल है। तो अगर आप चाहते हैं मैनेजमेंट की निगाह में आपकी वैल्यू हमेशा बनी रहे तो रेगुलर परचेज आपकी होनी चाहिए, समय से परचेज आपकी होनी चाहिए। अगर आप चाहते हैं आपकी अपलाइन की निगाह में आपकी वैल्यू बनी रहे, अपलाइन सबको छोड़ दे लेकिन आपको ना छोड़े, किसको अपलाइन नहीं छोड़ेगा, जो हमेशा सामान खरीदता होगा उसी को तो अपलाइन प्यार करेगा। लेकिन आप 4 महीने सामान खरीदते हो, 1 महीना सामान खरीदते हो, 4 महीने गायब हो जाते हो, खरीदते ही नहीं हो, अपलाइन की निगाह में आपकी वैल्यू बनी नहीं सकती दोस्त, फिर आप कहते हो अपलाइन सपोर्ट नहीं करता। तीसरा, जब आप रेगुलर परचेज करेंगे आपकी टीम में आपकी वैल्यू बनेगी, हर जगह आपकी तारीफ होगी, ये वो डिस्ट्रीब्यूटर है, ये वो लीडर है जो देखिए रेगुलर परचेज करता है, ये छोटी सी तारीफ आपका बिजनेस बढ़ाते। मान लीजिए आप अपने 3 गेस्ट को लेके आए, 60-70-100 लोग बैठे हैं, उसके बीच में आपको खड़ा कर दिया गया, देखिए 3 महीने से लगातार जुड़ी हैं, अभी इनकी कोई टीम नहीं बढ़ी लेकिन ये देखिए 3 महीने से रेगुलर प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं, इनके लिए एक बार जोरदार तालियां बजाइए, भाई साहब पूरी टीम में वैल्यू बन जाती है उस इंसान, एप्रिशिएशन जब मिलना शुरू होता है फिर आदमी काम करता है। तो प्रोडक्ट खरीदने के कितने फायदे हैं, आपका सबसे पहली बात, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो रहा है, आपकी नॉलेज बढ़ रही है, ठीक है, आपको किसी अपलाइन की मैनेजमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप खुद खा रहे हैं तो, क्योंकि आपके पास रिजल्ट खुद का है, सबसे बड़ा रिजल्ट तो मेरा खुद का होगा ना। दूसरा, आपकी टीम इस्तेमाल करेगी, आपको फॉलो करेगी, और तीसरा, आपकी कंपनी में, आपकी अपलाइन में और आपकी टीम में आपकी वैल्यू करेगी, और चौथा, जब आप सेल परचेज करेंगे तो किसी का बिजनेस बढ़ेगा, किसी का बिजनेस बढ़ेगा, उसके घर में चेक जाएगा, और वही आप अपनी टीम में फॉलो करोगे तो आपका चेक बढ़ेगा और बाकी लोगों का चेक बढ़ेगा। तो परचेज से ही तो चेक बढ़ता है, लेकिन मैं जुड़ गया और मैं परचेज नहीं कर रहा हूं तो फिर क्या किया हमने, ऊपर बहुत सारे लोगों की इनकम रोक दी, सेम आपके साथ नीचे होगा, नीचे वाले परचेज नहीं करेंगे, आपकी इनकम भी बंद। तो सारा खेल तो सेल्फ परचेज का है दोस्त, जो सबसे जरूरी काम है उसी को हम नहीं करते हैं सीरियसली, या टीम से नहीं करवाते हैं सीरियसली, फिर बिजनेस नहीं चलेगा। तो इसलिए यूज द प्रोडक्ट पे भी ध्यान दीजिए। अब आते हैं रिटेल द प्रोडक्ट, रिटेल क्यों करेंगे, भागा दौड़ी के लिए पैसा आपके पास आता है, हमारे बिजनेस में कितना बड़ा रिटेल प्रॉफिट है आप देखिए, 2000 में 4 प्रोडक्ट देते हैं सर आप, एक प्रोडक्ट का 2000 में 4 प्रोडक्ट देते हैं और एक प्रोडक्ट का एमआरपी 2000 रुपये, कल्पना करके देखिए आप, 500 रुपये में आपको पड़ा दोस्त। आप जाइए अपने रिश्तेदार दोस्त पड़ोसियों के पास, सब जुड़ेंगे नहीं दोस्त, हर आदमी नहीं जुड़ेगा, लेकिन जिसको कोई हेल्थ इशू है आपको उसको एक E30 दे आइए भाई साहब 1000 रुपये के, सर 2000 रुपये का है, मैं इसका डिस्ट्रीब्यूटर बनाऊं, सर मुझे 50% डिस्काउंट मिला हुआ इसके ऊपर, मैं 50% डिस्काउंट छोड़ रहा हूं, इसको आप खाइए, अच्छे हो जाए तो मुझे बताइए,
वैसे 2000 रुपये की डब्बी है, कह रहे यार 1000 रुपये छोड़ दिया इंसान, लेकिन आपको कितने बच गए, 500 रुपये बच गए भाई साहब। किसी लेडीज के पास जाइए, उसको बोलिए मैडम आपकी तबीयत खराब रहती है, 1000 रुपये का प्रोडक्ट खाइए, 3 महीने तक लगातार खाइए, आपके शरीर में बहुत अच्छे चेंजेस आएंगे। 3 से 6 महीने तक जोड़िए, E30 खिला रहे हैं तो 3 से 6 महीने, वुमेन केयर खिला रहे हैं तो 3 से 6 महीने, शुगर खिला रहे हैं तो 3 से 6 महीने, काउ कोलेस्ट्रॉल खिला रहे हैं तो 3 से 6 महीने, बोल के चित। लेकिन कई लोग हमारे दोस्त ऐसे हैं, वो कहते हैं जी 4 दिन खा लीजिए रिजल्ट आ जाएगा, एक डब्बी खा लीजिए बच्चा पैदा हो जाएगा। ऐसे कैसे हो सकता भाई, गलतियां कौन कर रहे हैं, हम खुद कर रहे हैं ना। ये पता कब गलतियां होती है, जब आप नॉलेज लेने के लिए तैयार नहीं होते हो ना, मीटिंग ट्रेनिंग में आते नहीं हो, तो फिर अपना दिमाग लगाओगे, अपना दिमाग लगाओगे तो फेल हो जाओ, क्योंकि गलत तरीके से आप काम कर रहे हो। 4 प्रोडक्ट मिले सर, किसी आदमी को E30 दे दीजिए भाई साहब, 3 से 6 महीने के लिए उसको पक्का कर लीजिए। कोई महिला उसको बोलिए 3 से 6 महीने खाइए, आपकी हेल्थ अच्छी होगी गारंटेड। बच्चे के लिए सब सीरियस है, बच्चों को बोलिए कि बच्चों को 3 महीने आप ये खिलाइए, देखिए माइंड कितना शार्प होता है, एक्टिव हो जाएगा 3 महीने बच्चा। कोई बुजुर्ग आदमी उसको आप Omega 3679 दीजिए कि सांस की प्रॉब्लम, ये सारी प्रॉब्लम आपकी खत्म होगी, हार्ट मजबूत रहे। सर 2000 रुपये दिए, 4 प्रोडक्ट लिए और 2000 रुपये ऊपर से कमा लिए, अपना प्रोडक्ट फ्री हो गया भाई साहब। ये तो सिर्फ मैं एक किट की बात कर रहा हूँ, अगर ऐसी 10 किट आपने बेच दी ना, 10 किट आपने बेच दी, 20000 रुपये आपके अकाउंट में आते हैं भाई साहब। और मैं कह रहा हूँ 2000 भी आए तो पूरे महीने का पेट्रोल निकल गया भाई साहब, हम उस पर काम ही नहीं कर रहे, हम उस पर काम ही नहीं कर रहे, रिटेल प्रॉफिट पे हम काम ही नहीं कर रहे। और 3 महीने के बाद उस व्यक्ति को 100% रिजल्ट आने वाला भाई साहब, उसके बाद वो रेगुलर भी खाएगा और 10 आदमी आपको और ला के देगा। लेकिन हम क्या करते हैं, मुर्गा ढूंढते हैं, एक ज्वाइनिंग लेफ्ट एक ज्वाइनिंग राइट लगाओ, सिखाना सुखाना नहीं। अगर आप नेटवर्क बिजनेस में आए और केवल 2 ही लोगों को जोड़ा, अब अगले महीने वही सामान खरीदेंगे तो क्या आपको इनकम आएगी, वो जैसे दुकान बंद हो जाएगी ऐसा आपका नेटवर्क बिजनेस बंद हो जाएगा। तो यहाँ टीम बनानी पड़ती है, उसका तरीका क्या है उस पर मैं बात करूंगा आपसे। तो एक परचून की दुकान में हर महीने केवल 2 ही आदमी सामान खरीदते हैं, चौथे पांचवें महीने में दुकान बंद हो जाएगी, इसने लाखों रुपए लगा रखा। ऐसे ही जो नेटवर्क बिजनेस में केवल 2-4-5 लोगों को जोड़ के बैठे रहते हैं, उनका नेटवर्क बिजनेस खत्म हो जाता है। लेकिन जो सिस्टम को फॉलो करते हैं, जो बेसिक्स पे काम करते हैं, उनका नेटवर्क बिजनेस रेगुलर चलता है, लॉन्ग टर्म तक चलता है और वो बहुत बड़ी इनकम को प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहली चीज समझ लीजिए कि एक बड़ा नेटवर्क बनाने के लिए एक नेटवर्क बनाना पड़ेगा सबसे पहली बात तो, और एक बड़ा और मजबूत नेटवर्क बनाने के लिए 3 चीजों की जरूरत है। 3 चीजें आपको करनी ही पड़ेंगी तब जाके आपका बड़ा नेटवर्क बनेगा। अगर ये 3 क्वालिटी आप अपने अंदर डेवलप कर लेते हैं तो दुनिया की कोई ताकत आपको डायरेक्ट सेलिंग में सफल होने से नहीं रोक सकती। 3 बातें अगर आपने अंदर डाल ली आज ना, तो समझ लीजिए निश्चित रूप से आपकी 100% सफलता होगी। दुनिया की कोई ताकत आपको नेटवर्क बिजनेस में सफल होने से रोक नहीं सकती, मैं बता रहा हूं। अगर ये 3 क्वालिटी आपने अंदर डाल, सबसे पहली क्वालिटी क्या है, सबसे पहली क्वालिटी है हंगर ऑफ सक्सेस, सफलता की भूख होनी चाहिए। भाई खाना सामने रखा है, खाएगा कौन, जिसको भूख होगी, जिसको भूख नहीं है वो खा ही नहीं सकता, इसका पेट भरा हुआ है। हंगर ऑफ सक्सेस, सफल कौन लोग होते हैं, जिनको सफलता की भूख होती है, जो सफलता के लिए भूखे होते हैं। इसको हंगर भूख कहना ठीक नहीं रहेगा, चाहत, चाहत वर्ड जो है सही है, सफलता की चाहत रखने वाला इंसान ये कौन होगा, जो अपने बच्चों की और अपनी आने वाली पीढ़ियों के बारे में सोचेगा। एक व्यक्ति तो वो होता है जो संतोषी सदा सुखी, एक व्यक्ति वो होता है जो गरीब घर में पैदा हुआ, बचपन से उसने गरीबी देखी, जवान हुआ गरीबी देखी, और उसके बाद उसने देखा उसके माता पिता ने कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया, जब वो कमाने लग गया फिर वो अपने माता पिता को ताने मारता है कि तुमने जिंदगी में कुछ नहीं किया। ताने तो मारता है लेकिन खुद अपने अंदर बदलाव नहीं करता, वही काम वो करता रहता है। फिर वो बुड्ढा हो जाता है, उसके बच्चे बड़े होते हैं और उसके बच्चे भी उसी तरीके का काम करते हैं, और पीढ़ी दर पीढ़ी दर वो गरीबी वाली समस्या खत्म नहीं होती। एक तो वो इंसान होगा, दूसरा कौन सा इंसान होगा, जिसकी चाहत होगी कि यार मेरी आने वाली पीढ़ियां गरीब थी लेकिन मैं ऐसा काम करके जाऊंगा कि मेरी अगली आने वाली पीढ़ियां गरीब थी। ये चाहत क्या आपके अंदर है? और देखिए ये गरीबी की चेन किसी ना किसी को तोड़नी पड़े। कोरोना कैसे टूटा था, कोरोना की चेन को ब्रेक करना था,
कि भाई घर में क्यों रख दिया आपको, क्यों बंद कर दिया। कई लोगों ने इसका विरोध किया, भाई इसलिए बंद कर दिया बाहर नहीं जाओगे तो चेन ब्रेक हो जाएगी, वरना किसी एक से एक को फैलती है, वो एक 10 के बीच में जाएगा 10 को फैल जाएगी, वो चेन ब्रेक हो गई, कोरोना धीरे धीरे पूरी दुनिया से खत्म हो गया। सेम गरीबी की चेन भी तो कोई ब्रेक करेगा, आने वाली पीढ़ियां कर नहीं पाई। आपके पास मौका है, आप करना नहीं चाहते, तो आने वाले वक्त में अपने बच्चों पे भी आप बहुत बड़ी गरीबी की जिम्मेदारी सौंप के जाओगे। लेकिन अगर आपने ठान लिया और वीकेंड में 5 से 10 साल सीरियसली काम कर लिया ना, ये गरीबी की चेन इसी 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 जीवन में आप ब्रेक करके जाओ और अपनी आने वाली पीढ़ियों को एक ऐसा बिजनेस देके चले जाओगे कि वो अमीर घर में जिंदगी को गुजारेंगे और जब वो मरेंगे तो अमीरी में ही मरेंगे। ध्यान रखना, ये ताकत है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। लेकिन आप और हम इसको सीरियसली नहीं लेते दोस्त। तो सफलता की चाहत होना, इस दुनिया में जिस भी फील्ड में किसी व्यक्ति ने सफलता प्राप्त की है ना, वो कौन लोग थे जिनके अंदर सफलता की चाहत थी। अरे किसी लड़की की यार आपसे शादी हुई, उसको आपने कैसी जिंदगी दिया आज तक। जिनकी भी शादी हो गई है ना, आप कभी बैठ के देखना आपने अपनी वाइफ को आज तक कैसी जिंदगी दी, आप सोच के देखिए। क्या उससे बेहतर जिंदगी दी जा सकती थी या नहीं दी जा सकती थी? आप में से बहुत सारे व्यक्ति की जो वाइफ होंगी ना, वो ये लगा लीजिए आपके साथ शादी हो गई सबसे बड़ी जिंदगी की परेशानी, क्योंकि हमारी एक तो इनकम भी ज्यादा नहीं है और आप में से कई लोगों ने कर्जा भी इतना कर रखा होगा कि उस कर्जे की भी टेंशन उसको होती हो। तो आपके घर में एक लेडी आई है जो अपना पूरा परिवार, पूरे रिश्तेदार, पूरा आस पड़ोस छोड़ के आई है, उसको आपने कैसी जिंदगी दी है, इस बात की कभी 2 मिनट अकेले में बैठ के आप कल्पना करके देखें। क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती है कि उसको एक अच्छी जिंदगी दी जाए? हाँ, अभी तक आपके पास काम नहीं था, अभी तक आपको समझ नहीं थी, समझ में आता है। लेकिन 3 से 5 साल 10 साल अगर आप सही तरीके से सही डायरेक्शन में अगर आप काम करना शुरू कर दें, भाई साहब अगर 3 साल 5 साल के बाद वो जिंदगी बदल जाए तो कैसा रहेगा? आपके बच्चों की जिंदगी अच्छी हो जाए तो कैसा रहेगा? आपके माँ बाप की जिंदगी अच्छी हो जाए तो कैसा रहेगा? आपकी खुद की जिंदगी अच्छी हो जाए तो कैसा रहेगा? ये सब कुछ हमें मिला है दोस्त, तब मैं इतने भरोसे से इतने बिलीव से आपको बोल पाता हूँ कि सब कुछ मैंने प्राप्त किया है। हमने उस स्ट्रगल को भी देखा है कि पैसे का अभाव कितना बुरा होता है, रिश्तेदार दोस्त पड़ोसी कोई साथ नहीं देता है। आप अपनी जिंदगी बनाते भी खुद हैं और बिगाड़ते भी खुद हैं। ध्यान रखें, अगर आज आपकी जिंदगी सही नहीं है उसका जिम्मेदार आप स्वयं हैं, और कल को अगर आपकी जिंदगी सही होगी, आपकी जिंदगी सही आप कर पाए, उसके जिम्मेदार भी आप होंगे, कोई दूसरा नहीं कर। हमारी जिंदगी को खराब भी किसी दूसरे ने नहीं किया तो हमारी जिंदगी को सही भी कोई दूसरा नहीं करेगा। ये ध्यान रखें, ये फॉर्मूला मुझे समझ में आया, हमने मेहनत की सर। तो सबसे पहली चीज सफलता की चाहत होना, भूख होना। अगर ये आपके अंदर है तो आप सफल हो, अगर ये सफलता की चाहत आपके अंदर नहीं है ना दोस्त, तो आप सफल नहीं हो सकते। अगर ये भूख आपके अंदर नहीं है, ये चाहत आपके अंदर नहीं है, तो आज पैदा कीजिए, वरना ऐसे ही जिंदगी गुजार के चले जाएंगे दोस्त। एक मौका जो आपके पास है कि अपनी जिंदगी को, अपनी आने वाली पीढ़ियों को आप बदल सकते हैं, अगर 5 साल आपने कड़ी मेहनत कर ली, कड़ी मेहनत तो करनी पड़ी, लेकिन उस मेहनत के बाद जो प्राप्त होगा उसकी भी तो कल्पना करके देखो। आज जो डायरेक्ट सेलिंग से जो लाखों रुपए महीना कमा रहे हैं उनकी जिंदगी को देखो जाके आप, उनके जीवन में पैसे का अभाव ही नहीं है, टाइम फ्रीडम है, फैमिली सिक्योरिटी है, सब कुछ है, वो दुनिया छोड़ के भी चले जाए तब भी पैसा आना बंद नहीं है। इतना पावरफुल बिजनेस हमारे हाथ में है, फिर भी हम सीरियस नहीं। हंगर ऑफ सक्सेस, सफलता की चाहत, भूख होना बहुत ज्यादा जरूरी। इससे पहली क्वालिटी आपको अपने अंदर डेवलप करनी पड़ेगी, तब आपका बिजनेस चले। अगर ये नहीं है तो फिर सब कुछ बेकार। दूसरा, ऑलवेज बी कोचेबल, हमेशा सीखने के लिए तैयार। अगर नेटवर्क बिजनेस में आपको सफल होना है तो दूसरा काम, पहले तो सफलता की चाहत होना और दूसरा सीखने के लिए हमेशा तैयार रहना। अगर ये क्वालिटी आपके अंदर है तो निश्चित रूप से आपको बड़ी सफलता मिलेगी, आज नहीं कल मिलेगी जरूर। ये मेरा 26-27 साल का एक्सपीरियंस मैं आपको बता रहा हूं। अगर आपकी सीखने की चाहत है ना, अगर आपने सीखने के लिए अपने आप को तैयार कर, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। तो सीखना क्यों जरूरी है? हर फील्ड में अगर आपको बड़ी सफलता प्राप्त करनी है सीखना पड़ता है। एक डॉक्टर बनने के लिए सीखना पड़ता है, एडवोकेट बनने के लिए सीखना पड़ता है, क्लासेज लेनी पड़ती है, कोचिंग लेनी पड़ती है, नॉलेज लेनी पड़ती है, चार्टर्ड अकाउंटेंट सीखना पड़ता है, इंजीनियर सीखना पड़ता है, सिंगर सीखना पड़ता है, स्पोर्ट्स पर्सन सीखना पड़ता है,
पॉलिटिशियन सीखना पड़ता है, किसी भी बड़े एक्टर जो भी होगा, फिल्म डायरेक्शन, जहां पे बड़ी आमदनी है ना सर, वहां पे सीखना पड़ता है, बगैर सीखे तो ऑलवेज बी कोचेबल, हमेशा सीखने के लिए अगर आप तैयार रहेंगे तो आपको बहुत बड़ी सफलता मिलेगी। जो सीखने से बचता है ना उसको सफलता नहीं मिलती। तो पहला, सफलता की चाहत आपके अंदर होनी चाहिए, और दूसरी, हमेशा सीखने के लिए तैयार रहेंगे। अगर ये क्वालिटी आप अपने अंदर डेवलप कर लेंगे तो दुनिया की कोई ताकत आपकी सफलता को नहीं रोक सकती। जैसे कुछ वॉल्यूम लेफ्ट, कुछ वॉल्यूम राइट, मेरा 20,000 पूरा हो जाए, दैट्स ऑल। एक्चुअल में जो बुनियाद को मजबूती वाला काम करने वाला है दोस्त, आप और हम नहीं करते, जो मजबूती देगा। तो रिटेलिंग होनी बहुत ज्यादा जरूरी है, ध्यान रखें। अगर आपके 5 से 10 कस्टमर नहीं है ना, तो फिर डायरेक्ट सेलिंग में बहुत बड़ी सफलता नहीं। खुद की भी आदत डालिए और अपनी टीम में लोगों की आदत डालिए। लोगों के अंदर स्किल्स होते हैं, लेकिन हम खुद भी नहीं करते और करवाते भी नहीं है, लोग करते हैं। सबसे ज्यादा रिटेल प्रॉफिट हमारे प्रोडक्ट पे है दोस्त, और रिजल्ट भी बहुत शानदार है हमारे प्रोडक्ट। कितनों की शुगर ठीक हो गई, कितनों का माइग्रेन ठीक हो गया, कितनों की बीपी ठीक हो गई। अभी कितना शानदार रिजल्ट आया कि 8 साल से बच्चा नहीं हो रहा था, देखिए इतना हेल्दी एक लड़का हो गया, खाली वुमेन केयर 5 महीने खाने से। इतने शानदार रिजल्ट है, लेकिन हम उस पर काम ही नहीं करते। तो ये आपको करना पड़ेगा। तो जब आप रिटेल करेंगे तो भागा दौड़ी के लिए आपके पास पैसा आ जाएगा, आपको टेंशन नहीं रहेगी, है ना, अपनी जेब से नहीं लगाना पड़ेगा। आपकी रीपर्चेज फ्री हो सकती है, जब आप काम करेंगे तो आपकी रीपर्चेज एवरी मंथ फ्री हो सकती है, अगर आप रिटेल करते हैं प्रोडक्ट। और तीसरा, आपके पास ज्यादा टेस्टिमोनियल आते हैं, जब आप लोगों को रिटेल देते हैं तो ज्यादा टेस्टिमोनियल आपके पास इकट्ठे होंगे, और जिस व्यक्ति के पास जितने ज्यादा टेस्टिमोनियल होंगे, वो व्यक्ति डायरेक्ट सेलिंग में उतना ज्यादा सफल होगा। भाई एक डॉक्टर है, उस डॉक्टर ने 10 ऑपरेशन किए हैं अभी तक, लेकिन एक डॉक्टर ऐसा है जिसने 500 ऑपरेशन किए, आप किसके पास जाना पसंद करें? जितना डॉक्टर पुराना होता रहता है, हार्ट स्पेशलिस्ट बोलना शुरू कर देते हैं, भाई साहब इसको बड़ा अनुभव है इसने, तो भाई साहब 2000 लोगों का हार्ट का ऑपरेशन किया, तो आदमी संतुष्टि से जाता है, यार ठीक है, 2000 लोगों का जिसने किया होगा वो तो बचा ही देगा। लेकिन जिसका पहले ही हो, जिसने 5 ही किए 10 किए, जिसमें से 7 मर गए हो, उसके पास कोई जाने वाला। तो ये जितने ज्यादा टेस्टिमोनियल आपके पास होंगे ना, सही हो रहे हैं लोग, उतना मजबूत आपका, समझ लीजिए, आने वाले वक्त में बिजनेस होने वाला। एक एक टेस्टिमोनियल जो आज अपनी फाइल में लगा रहे हैं, ये 2 साल 3 साल के बाद इतना ज्यादा आपको बिजनेस देने वाला है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि हम हेल्थ केयर के बिजनेस में हैं, और हेल्थ केयर का बिजनेस टेस्टिमोनियल के ऊपर ही टिका होता है। 2 तरीके के टेस्टिमोनियल यहाँ पे हमें चाहिए। एक, आपकी इनकम का टेस्टिमोनियल, इसलिए अपनी इनकम को बढ़ा के रखिए, क्योंकि जब तक आपकी इनकम बड़ी नहीं होगी आप कैसे टीम को बना पाएंगे दोस्त। दूसरा, प्रोडक्ट से ठीक हुए लोगों का टेस्टिमोनियल, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। जब प्रोडक्ट से ठीक हुए टेस्टिमोनियल का, लोगों का टेस्टिमोनियल आपके पास ज्यादा से ज्यादा इकट्ठा होगा, आपकी वैल्यू वैसे ही बन जाएगी। अब किसी ने पूछा शुगर ठीक होती है नहीं होती, आपने फाइल दे दी, उसमें 50 आदमियों के नंबर है, सोच के देखिए, कल्पना करके देखिए, 50 आदमियों के नंबर है दोस्त, तो कैसे ठीक नहीं होंगे। और डॉक्टर भी आपको बनाते हैं, ध्यान रखिए, अगर कोई डॉक्टर हो तो मैं माफी चाहूंगा, आज अशोक जी आए थे तो अशोक जी ने एक डॉक्टर से पूछा कि जी हमारे पास भी एक शुगर का प्रोडक्ट है, आप भी शुगर का प्रोडक्ट देते हो, हमारे पास भी ये शुगर का प्रोडक्ट है। तो उसने देखा, कहता नहीं नहीं हम ना इसको रिकमेंड नहीं करते। तो अशोक जी ने तुरंत उसको पकड़ लिया कि आप भी तो आयुर्वेदिक दे रहे हो, ये भी आयुर्वेदिक है, नहीं नहीं इस पर हमें भरोसा नहीं है कि हमारे वाला ठीक है। यानी डॉक्टर कभी सही सलाह नहीं देगा दोस्त, वो अपना धंधा क्यों बंद करेगा, बताइए। तो मैं उनको बोल रहा था, मैंने कहा यही हमारे हिंदुस्तान में सबसे बड़ी कमी है। अगर डॉक्टर ये कह देना उसको देखने के बाद, क्योंकि डॉक्टर को आपके और हमारे सबसे ज्यादा नॉलेज है, उसके इंग्रेडिएंट्स पढ़ने के बाद वो बोल दे हाँ भाई साहब बिल्कुल इससे 100% आपकी शुगर कंट्रोल हो सकती है, इसको रेगुलर लीजिए, वेरी गुड सर, कोई दिक्कत, इसको लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, उस डॉक्टर का कितना भरोसा बढ़ जाएगा। लेकिन वो क्या कहता है, ये बेकार है, मेरी दवाई लीजिए, इसमें मार्जिन ज्यादा, ये चल रहा है, आप उनके ट्रैप में फंस जाते हो। डॉक्टर मना करता है, आप कहते हो डॉक्टर ने तो मना कर दिया, भाई क्यों देगा वो, जहां पर उसको ज्यादा मार्जिन मिल रहा है, जहां से उसको और कमीशन मिलते हैं, वो तो वो वाली दवाई आपको देगा। तो आपके पास ज्यादा टेस्टिमोनियल जब इकट्ठे होंगे तो क्या होगा, आपका बिजनेस जो है वो बहुत तेजी से बढ़ना शुरू होगा, इस बात पे ध्यान रखें। अब नेक्स्ट आता है, इसके बाद जब आप यूज द प्रोडक्ट और रिटेल द प्रोडक्ट का सिस्टम समझ लेते हैं, ये पहला बेसिक है। दूसरा बेसिक है मेक ए लिस्ट, मेक ए लिस्ट ऑफ ड्रीम और प्रोस्पेक्ट, सपनों की लिस्ट बनाइए, और साथ में जिन लोगों को आप इस बिजनेस में लाना चाह रहे हैं, रिश्तेदार दोस्त पड़ोसी, उनकी लिस्ट बनाइए। बहुत आसान काम, जो भी नया व्यक्ति आपके साथ आता है, सबसे पहले तो आप इस काम को करेंगे जो मैंने पहले बोला, 10 लिस्ट 10 अगर ड्रीम अगर आपने अपनी डायरी में नहीं लिखे हैं, फिर आप सफल नहीं हो सकते। किसी दिन मैं अपनी डायरी दिखाऊंगा जिसमें मैंने 10 ड्रीम लिखे और उसमें मैक्सिमम मेरे ड्रीम जो है वो पूरे हो चुके हैं। क्या क्या ड्रीम लिखे थे मैं आपको बताता हूँ। अपने सपनों की लिस्ट और लोगों की लिस्ट
बनाओ, मैंने भी बनाई थी। हर सफल लीडर बनाता है, हर सफल लीडर की ट्रेनिंग में आप जाओगे, वो बोलेगा सपनों की लिस्ट होनी बहुत ज्यादा जरूरी है, लोगों की लिस्ट होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। आप सफल लोगों की बातों को नहीं मान रहे हो दोस्त, फिर कहते हो बिजनेस नहीं चलता। जो ऑलरेडी सफल है वो कह रहे हैं मैंने किया है, ये करोगे तो सफलता मिलेगी, आप उन्हीं की बातों को नहीं मान रहे हो, उसी काम को आप ना खुद कर रहे हो ना टीम में सीरियसली कराते हो, फिर आप कहते हो बिजनेस नहीं चलता, क्योंकि इसमें थोड़ा टाइम लगता है, टाइम देने के लिए आप तैयार नहीं हो, फिर जैसे आप चला रहे हो वैसे बिजनेस चलेगा। अनुभवहीन लोग आपके साथ जुड़ेंगे, अनुभव वाले लोग आपके साथ नहीं जुड़ेंगे, नॉलेजेबल पर्सन आपके साथ नहीं जुड़ेंगे, क्योंकि नॉलेज तो जूम में आने से मिलेगी, नॉलेज तो ट्रेनिंग में आने से मिली। तो मेक ए लिस्ट, ड्रीम और प्रोस्पेक्ट की लिस्ट बनानी बहुत ज्यादा जरूरी। 10 ड्रीम डायरी, डायरी में आपके होनी चाहिए, रजिस्टर में आपके होनी चाहिए, अगर डायरी नहीं खरीद सकते तो रजिस्टर खरीदिए, 10-20-30 रुपए का आ जाता है। 10 ड्रीम लिखिए, जो भी आप चाहते हैं, कर्जा उतारना चाहते हैं, कितने की इनकम पे पहुंचना चाहते हैं। मैं बताया तो मेरे क्या क्या थे, सबसे पहला मेरा ड्रीम था 10,000 की इनकम पे कैसे पहुंचूं। 10,000 का चेक चाहिए महीने का, 10,000 का चेक आ जाएगा तो मेरे घर का राशन भी हो जाएगा, मुझे घर की राशन की टेंशन नहीं होगी। मेरा पहला ड्रीम था 10,000 का चेक। लाखों के चेक के सपने नहीं थे उस वक्त, ये था कि यार अभी मैंने काम धंधा छोड़ दिया, 10,000 आ जाए ना तो 10,000 में से 5,000 में घर का राशन डाल दूंगा, 5,000 मेरे भागदौड़ी के काम आ जाएंगे, मेरी टेंशन खत्म हो गई। 10,000 उस वक्त मेरा ड्रीम था, उसका तो 10,000 में घर चल जाता था। आज भी 10,000 में घर का राशन तो चल ही जाता है, उसकी तो टेंशन खत्म हो जाती है। तो पहला ड्रीम छोटा सा ये लिखिए, मैंने लिखा था। उसके बाद मेरा ड्रीम था कि 10 से 50,000, अब 10,000 आना शुरू हो गया तो 30,000 और 50,000 तक कैसे पहुंच रहे हैं। किसी कंपनी में था तो रॉयल्टी थी, वहां पे रॉयल्टी पे 20,000 का चेक आता है यार, रॉयल्टी अचीवर बनना है, 2,000 रुपए एक्स्ट्रा मिलते हैं रॉयल्टी मेंटेन करने के, हर महीने 2,000 एक्स्ट्रा मिलेंगे अगर इतना वॉल्यूम मैं करूंगा। उस 2,000 को लेने के लिए भाई साहब पूरे हिंदुस्तान में लोग उतना बिजनेस मेंटेन करते थे खाली 2,000 को लेने के लिए। आपको तो सर कार फंड अलग से दे रहे हैं, हाउस फंड अलग से दे रहे हैं, फिर भी हम सीरियस नहीं, रिवार्ड अलग से दे रहे हैं, फिर भी हम सीरियस नहीं हो रहे। 25 लाख के रिवार्ड है, जो जिंदगी में कोई डायरेक्ट सेलिंग में नहीं कमाता, 25 लाख तो केवल फॉर्च्यून रिवार्ड से आपको मिलने वाली आने वाले वक्त, और उस वक्त 25 लाख आपके लिए कोई मायने, जिस दिन 25 लाख का रिवार्ड यहाँ से कोई ले लेगा ना, वो रिवार्ड उसके लिए कोई मायने रखेगा, उससे तो कई गुना ज्यादा उसकी जिंदगी बदल चुकी हो। जिस टाइम पे हम किसी आदमी को 25 लाख की कार दे रहे होंगे ना, उस टाइम पे तो वो 1 करोड़ की कार में घूम रहा होगा, वो तो कहेगा जी 25 लाख के नीचे 25 लाख कैसी दे दूंगा, मैं तो 2 करोड़ की गाड़ी दूंगा। उस पोजीशन पे होगा वो इंसान, सोच के देखिए डेप्थ में जाके बिजनेस क्या दे सकता है। और इसके लिए हम कड़ी मेहनत नहीं करना चाहते यार, थोड़े से स्ट्रगल नहीं उठाना चाहते, थोड़े लोगों की ना नहीं सुन सकते, थोड़े लोगों की आलोचना नहीं सुन सकते, है ना, 3 से 5 साल लगातार हम मेहनत नहीं कर सकते तो फिर कैसे जिंदगी बदलेगी। ठीक है, तो सबसे पहले 10,000 की मेरी सोच थी, फिर 30,000 तक कैसे पहुंचूंगा, फिर सोचती 50,000 तक कैसे पहुंचना, फिर 50,000 तक भी पहुंचे, और 50,000 तक जब पहुंच गए फिर ये सोचती अब 1 लाख की इनकम पे पहुंच गए। और मुझे आज भी ध्यान है, जिस दिन मेरा 1 लाख रुपए का चेक आया था, मैंने अपनी वाइफ को फोन किया था, मैंने पता कितने का चेक आएगा, उस टाइम मेरा 50-60-70 के आसपास घूमता था, लेकिन मेहनत की, क्योंकि ड्रीम था 1 लाख रुपए 6 फिगर की इनकम पे पहुंचना, उसके लिए मेहनत की। ऐसे नहीं होता सर, अगर 1 लाख पे जाना है तो और कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी ना आपको, उतनी प्लानिंग करनी पड़ेगी। हमने की, मैंने कहा 1,07,000 रुपए के आसपास का पे आउट है। तो मेरी वाइफ मार्केट में थी अपनी फ्रेंड के साथ, वो इतनी तेज चिल्लाई थी कि सभी लेडीज और सभी जेंट्स देखने लगे थे, सौरभ को क्या हो, चिल्ला पड़ी थी और अपनी फ्रेंड को बोली हमारा 1 लाख से ज्यादा का पे आउट। उसके बाद फिर जिंदगी में कभी परेशानी नहीं हुई दोस्त, पैसे की कभी चिंता नहीं हुई, कभी पैसे को लेके मेरे घर में झगड़ा नहीं हुआ, वैसे झगड़े हुए लेकिन पैसे को लेके मेरे झगड़े खत्म हो गए। किसने खत्म किए, मैंने खुद खत्म किए। मैंने क्या बोला, अपनी जिंदगी को खराब भी हम करते हैं तो बनाएंगे भी हम, कोई दूसरा पड़ोसी आके रिश्तेदार अपलाइन मैनेजमेंट नहीं बनाएगी, आप खुद बना सकते हो। और किसी का एहसान किया हुआ और खुद का कमाया हुआ, जमीन आसमान का फर्क होता है, ध्यान रखें। मैं हमेशा से एक बात कहता हूँ, एहसान मत लो दोस्त किसी का, भूखे रह जाओ लेकिन जिंदगी में किसी का एहसान मत लो, अपने दम पे क्रिएट करो सर। कोई आपको कह ना पाए यार तू मेरी वजह से बना, तेरे को मैंने ये कुछ तेरी सहायता की थी, हेल्प की थी, तब जाके तू बना। अपने आप को ऐसा कभी मत बनाओ, हमेशा एक ही चीज सोचो, मुझे किसी से कभी हेल्प लेनी ही नहीं है, क्योंकि एक बार जिसने हेल्प दे दी ना, ठप्पा लग गया आपकी पूरी जिंदगी, भाई इस बारे में तो तेरे ऊपर हेल्प की थी, चाहे कुछ भी हो जाए आप उसको डिनाई नहीं कर सकते। तो अगर कोई हेल्प नहीं करता ना आपकी, मना कर उसको थैंक यू बोलो, वो आपको बचाना चाहता है उस चीज के दबाव से कि कल को आपको शर्मिंदगी ना उठानी पड़े, चार आदमी बीच में बोल ना दे अबे छोड़ यार तू क्या बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, तेरी यहाँ तो मैंने हेल्प की थी, ठीक है ना, और वो हेल्प तू कैसे चुका पाया, इस तरीके की बातें होती हैं, बात पीठ पीछे होती हैं। तो ऐसा काम ही ना हो तो इससे बड़ी क्या बात होती है। अगर कोई हेल्प नहीं करता उसको धन्यवाद दीजिए, थैंक यू बोलिए, हम उससे नाराज नहीं। तो 1 लाख का भी चेक आया, और 1 लाख के बाद फिर
4 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 7.5 लाख तक पहुंचे। दूसरा मैंने ड्रीम लिखा था, नेम एंड फेम चाहिए इस इंडस्ट्री के, पहचान होनी चाहिए, लोग मेरे लिए तालियां बजाएं यार, है ना, लोग मुझे भी बोले, जैसे मैं अपलाइन को देखता था उनके लिए लोग ताली बजाते थे, उनको सुनते थे दो दो तीन तीन घंटे, मैं सोचता था यार ये इसमें ऐसी क्या क्वालिटी है, लोग इसके लिए ताली बजा रहे हैं सुन रहे हैं, मुझे बोलना नहीं आता था, मुझे डर लगता था स्टेज, फिर पता लगा ये जो बातें बोल रहा है समझ में आया, किसी ने बोला जो अपलाइन बोलता है उसको नोट करो, बोलो, नोट करना शुरू कर दिया, वही चीजें बोलनी शुरू कर दी 10 आदमियों में 15 आदमियों में। मैंने कई बार बताया मैं जयपुर जाता था अकेला, क्योंकि जयपुर पूरी टीम को नहीं ले जा सकता ना, मेरी अपलाइन ने बोला जी जयपुर में एक लीडर आ रहा है, दिल्ली में प्रोग्राम तो 6 महीने बाद आएगा लेकिन जयपुर में आ रहा, 4-5 घंटे लगेंगे, आप जाओ अपनी टीम को लेके जाओ। मैं सर टीम से तो कोई जाएगा नहीं, आप जाओ अजय सुन के आओ सर, अगर उसकी मीटिंग सुन ली आपकी लाइफ चेंज हो जाए, यार 3 लाख कमाने वाला मुझे बोल रहा है, वही तो बात है सर, कैसे भी जुगाड़ किया जयपुर पहुंचे, जयपुर जाके भाई साहब मीटिंग को सुना, मजा आ गया, देखा वहां तो हजारों लोग उसको सुनने के लिए आ रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं, उसके साथ फोटो खिंचवाने के लिए, ऑटोग्राफ लेने के लिए लाइन में लगे हुए लोग, हमारा तो नंबर ही नहीं आया वहां तक पहुंचने में, घुसने नहीं दिया किसी ने, वहां पे स्टेज पे चढ़ने ही नहीं दिया। वही चीजें उसकी नोट करी, वापिस में आया, बीना शर्मा जी, अशोक शर्मा जी मेरी टीम में थे, इनके 10-15 लोगों को इकट्ठा किया, टूटा फूटा समझाया, क्योंकि 100 बातों में 10 बातें उसने बताई हैं तो उसमें 2-3 ही याद रहती है, लेकिन देखा उस 2-3 में 10 आदमियों ने ताली बजाई, हमारी तारीफ करी, मजा आ गया, समझ में आ गया सक्सेस का सिद्धांत क्या है, जो अपलाइन बोल रहा है उसको सीख लो और उसको बोलना शुरू कर दो डुप्लीकेशन। नेम एंड फेम चाहिए था मुझे, दूसरा मेरा सपना था नेम एंड फेम, आज मिल गया दोस्त, आज मिल गया मुझे नेम एंड, आज अगर मैं अपनी कंपनी बंद भी कर दूं ना और मैं सिर्फ ये कह दूं कि मैं अब डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के लिए केवल सेमिनार्स करूंगा, जिसको मुझे इनवाइट करना कीजिए, सर सैकड़ों कंपनी तैयार बैठी होंगी जो मेरा प्रोग्राम कराने के लिए तैयार हो जाएंगे, लीडर्स कंपनी छोड़िए, लीडर्स अपनी टीमों बुलाना शुरू कर देंगे, सर फीस बताइए आइए सर हमारी टीम के, मेरी जिंदगी तो वैसे ही सेट हो जाएगी, कहां से भी डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस से ना, तो वरना तो मैं भी 20-30 हजार का आदमी था, आज सेमिनार दे दे के मैं लाखों रुपए महीना कमा सकता हूँ, घर की टेंशन नहीं है मुझे, लेकिन मुझे मालूम है सेमिनार दूंगा मैं अकेला कमाऊंगा, लेकिन इस कंपनी से मैं हजारों लाखों करोड़ों लोगों के सपने पूरे कर सकता हूँ, और उस हिसाब से हमने प्लान भी डिजाइन किया, उस हिसाब से हम दे भी रहे हैं आपको, सीरियस आपको, तो नेम एंड फेम चाहिए था, फिर मुझे चाहिए था अपना खुद का मकान, जिसमें किसी का कोई कंट्रीब्यूशन ना हो, मेरी खुद की कमाई का मकान, आज आपके आपके पास मकान होंगे लेकिन उसमें आपके पिताजी का दादाजी का कंट्रीब्यूशन होगा, आप अपने पिताजी के मकान में रहते होंगे, या आपने अलग कहीं लिया होगा वहां भी पिताजी से पैसा लिया होगा, या पुस्तानी जमीन ली होगी उस पे बना के बैठे होंगे, ठीक है ना, तो मेरा था मेरा खुद का अपनी अपनी कमाई से मेरा खुद का मकान होना चाहिए, मिला सर आज है। उसके बाद एक बाइक का सपना देखा, मेरी खुद की एक चमचमाती हुई नई बाइक होनी चाहिए, स्कूटर तो शादी में मिला था, बाइक भी आ गई, उसके बाद फिर सेकंड हैंड कार की एक हैसियत देखी, नई कार तो नहीं ले सकते, सेकंड हैंड कार होनी चाहिए, वो भी आ गई, फिर एक छोटी कार होनी चाहिए, वो भी आ गई, फिर बड़ी कार होनी चाहिए, वो भी आ गई, फिर उससे बड़ी कार होनी चाहिए, सनरूफ वाली कार होनी चाहिए, वो भी, ठीक है, तो वो भी हुआ, अपनी खुद की गाड़ियां भी, तो ये सब ड्रीम मैंने लिखे थे, ये सारे ड्रीम मेरे पूरे हो गए, तो ड्रीम आपको भी लिखना। उसके बाद लोगों की लिस्ट क्यों बनानी है, नेटवर्क बनाने के लिए लोग चाहिए, यहाँ पे जब नेटवर्क बनाएंगे उसके लिए लोग चाहिए, इसलिए लिस्ट चाहिए, ज्यादा बड़ी लिस्ट होगी तो आपकी बड़ी टीम बनेगी, जितनी ज्यादा बड़ी लिस्ट होगी तो उतनी बड़ी टीम, वरना एक परचून वाले ने दुकान खोली, केवल 2 लोग खरीदारी कर रहे हैं, अगले महीने में 2 लोग आए, उससे अगले महीने में 2 लोग आए, उससे अगले में 5वें महीने में दुकान बंद हो जाए, क्योंकि उसकी दुकान नहीं चल रही, क्योंकि ग्राहक नहीं, तो ज्यादा बड़ी लिस्ट होगी तो आपकी टीम बड़ी बनेगी, ठीक है, और ज्यादा बड़ी लिस्ट होगी तो कल को कोई लैग अगर रुक गई किसी भी कारण से, तो जो आपके पास लिस्ट है उस लिस्ट से काम करके उस लैग को हम चला सकते हैं, इसलिए लिस्ट बहुत ज्यादा जरूरी है, टॉपिक बहुत बड़ा है, मैंने शॉर्ट में आपको समझा दिया। तो दूसरा बेसिक क्या है, आपके 10 ड्रीम आप लिखिए, जो भी आप जीवन में कमाना चाहते हैं छोटा बड़ा, और उसके अलावा कम से कम 50-100 लोगों की लिस्ट आपकी खुद की ऑन होनी चाहिए, जो आप दिखा सके अपनी टीम में, देखो भाई मैंने बना रखी है, ये अजय शर्मा जी ने बोला था 10 सपनों की लिस्ट, इसमें से मेरे सपने पूरे हो चुके हैं और आने वाले वक्त में ये पूरे करने के लिए मैं चल रहा हूँ, टीम डुप्लीकेट उसी को करेगी, दिख रहा है, ये मैंने 50-100 लोगों की लिस्ट बनाई हुई है सर, इसमें से इतने जुड़ गए हैं, अब ये बाकी लिस्ट है, कल को कोई टीम रुकेगी तब मैं उसके बात करूंगा, जो शर्मा जी ने मुझे बताया था ये मैंने लिस्ट बनाई, तभी तो टीम नीचे फॉलो करेगी, लेकिन आप कर नहीं रहे आपकी टीम भी नहीं कर, ठीक है, उसके बाद कोई लग अगर रुक जाएगी तो आपकी लिस्ट अब उसमें काम आ सकती है, तो ये करना है। तीसरा काम बेसिक क्या है, कॉन्टेक्ट एंड इन्वाइट, अब लिस्ट बन गई, कॉन्टेक्ट एंड इन्वाइट, उनको अपने घर पे बुलाइए कि मैंने एक काम शुरू किया, उसमें आपकी सलाह चाहिए, 1 घंटे का टाइम लगेगा, या तो आप मेरे घर आ जाओ, या मैं आपके घर, सिंपल कॉन्टेक्ट का सबसे सिंपल तरीका है, अपने रिश्तेदार दोस्त पड़ोसी जिनको आप जानते हो, यार एक काम मैंने देखा है उस काम के बारे में तुम्हारी कुछ सलाह चाहिए, 1 घंटे के टाइम लगेगा, या तो मेरे घर चाय पीने के लिए आ जाओ, नहीं तो मैं तुम्हारे घर पे आ,
क्या मेरी उसमें सलाह दे सकते हो आप, कुछ सजेशन आपकी चाहता हूँ, कौन मना करेगा सलाह के लिए? ये मत बताओ कोई कंपनी करी है, कोई एमएलएम किया है, वीकेंड किया है, प्रोडक्ट बेस किया है, उसमें जोड़ने कोई नहीं आएगा, सब परेशान है आज की डेट में अधूरे अधूरे ज्ञान की वजह से। एक काम शुरू कर रहा हूँ उसमें आपकी सलाह चाहिए, एक घंटा चाहिए, मिलके बात करेंगे, मेरे घर आ जाओ या तुम्हारे घर पे, सिंपल सर। इससे सिंपल कॉन्टेक्ट एंड इन्वाइट हो ही नहीं सकता, उसको कीजिए। या कहीं मीटिंग हो रही है तो उस मीटिंग में आप इनवाइट कीजिए, वीकली मीटिंग हो रही है तो उसमें आप इनवाइट कीजिए, तरीका यही रहेगा। बाकी अपना तरीका भी आप अपना सकते हैं, लेकिन जोड़ने वाली बात बिल्कुल भी ना करें। तो कॉन्टेक्ट एंड इनवाइट तीसरा बेसिक्स, ये करना बहुत ज्यादा जरूरी है। केवल लिस्ट बना के बैठ गए काम नहीं चलेगा, ठीक है। उसके बाद कॉन्टेक्ट एंड इन्वाइट के बाद एसटीपी प्लान दिखाना है। जब तक नहीं आता अपनी अपलाइन के माध्यम से दिखाओ, और जब अपलाइन दिखा रहा है ध्यान से सुनो, रिकॉर्डिंग करो और उसको याद करो, क्योंकि आपको भी एक दिन प्लान दिखाना है। जिसने प्लान दिखाना सीख लिया उसका बिजनेस तेजी से चलता है। तो एसटीपी यानी प्लान दिखाना सीखें, और जब तक नहीं आता जिनकी लिस्ट बनाइए, अपनी अपलाइन का सहयोग लीजिए, अपलाइन प्लान दिखाएगी, आप सिर्फ मिलवाने का काम करेंगे कॉन्टेक्ट एंड इन्वाइट वाला। ये है हमारा चौथा बेसिक, एसटीपी शोधा प्लान। जब आपके लोग जुड़ जाए अपनी लिस्ट को बंद कर दीजिए, वो जो जुड़े उनकी लिस्ट बना के आप उनकी लिस्ट पे काम करना शुरू कीजिए, यही सिस्टम, इसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। उसके बाद पांचवी चीज आती है फॉलो। पांचवा बेसिक्स क्या है? फॉलो। जिन लोगों को आप प्लान दिखाएंगे उनमें से कुछ लोग अभी कहेंगे सोचूंगा, बताऊंगा या बाद में करूंगा, तो उनको फॉलोअप में डाल दीजिए। जो जुड़ गया उसके साथ चलिए और समय समय पर उन लोगों का फॉलोअप करते रहिए। 48 घंटे में फॉलोअप होना चाहिए कहा जाता है, जिसको आपने प्लान दिखाया है 24 से 48 घंटे, 72 घंटे मैक्सिमम उसका फॉलोअप होना चाहिए, उसके पास आपको जाना चाहिए दोबारा, तब आती है रीज्वाइनिंग, वरना ज्वाइनिंग नहीं आती। कई लोग क्या करते हैं, प्लान दिखा दिया छोड़ दिया, प्लान दिखा दिया छोड़ दिया, प्लान मेहनत तो कर रहे हैं लेकिन फॉलोअप नहीं कर रहे हैं, पांचवा बेसिक यूज नहीं कर रहे हैं। और फॉलोअप का रिजल्ट लगभग मैं बात करूं तो लगभग 90% होता है, प्लान का रिजल्ट 10% होता है। ज्वाइनिंग फॉलोअप से निकलती है, प्लान से नहीं निकलती। फॉलोअप जिसका जितना मजबूत होगा ना वो उतनी बड़ी ज्वाइनिंग। और फॉलोअप में क्या क्या चीज चाहिए होंगी, वो एक ही बात बोलेगा, यार लोगों को इनकम नहीं आती, तो आपके पास फाइल होनी चाहिए, देख यार इतने सारे लोगों को यहाँ पे इनकम आ रही है, अपनी अपलाइन के खूब सारे चेक लगा के रखो, उसके थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। यार प्रोडक्ट काम नहीं करते, अरे क्या बात कर रहा है, ये देख यार 50 लोगों के टेस्टिमोनियल तो मैं लेके घूम रहा हूँ, और भी ज्यादा इस फाइल को पढ़ ले, लोग नहीं जुड़ते, यार क्या बात कर रहा है, यार लोग नहीं जुड़ते तो इनके सबके चेक कैसे बनते हैं, यार लोग जुड़ने के लिए तो तेरे को तेरे पास आए, तू मेरे साथ जुड़ेगा, तेरे साथ भी कोई जुड़े, सिंपल सी बात है। और जब वो कह रहा है लोग नहीं जुड़े हैं, आपकी बात सुनने को तैयार नहीं है, फिर आपने किसी को मीटिंग दिखाया वो जुड़ गया, फिर उसके पास पहुंच गया, तू तो कह रहा था लोग नहीं जुड़े, देख भाई मेरे साथ जुड़ गया, अब आ जा। फॉलोअप 70% 90% काम फॉलोअप करता है, ध्यान रखें। और हम फॉलोअप नहीं करते, हमारा फॉलोअप मजबूत नहीं, तो फॉलोअप करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और छठा बेसिक जो इसके अंदर आता है वो है अटेंड ऑल मीटिंग एंड सेमिनार। नॉलेज कहां से मिलेगी, आज जो मैं इतना बोल पा रहा हूँ, आज जो इतना आपको समझा पा रहा हूँ, इतनी इनकम में दे पाया हूँ, अपने सपनों को पूरा कर पाया हूँ, ये नेम एंड फेम जो मैं लेके आया हूँ, ये एक ही चीज से मिला है, वो है मीटिंग ट्रेनिंग सेमिनार नॉलेज। जितना ज्यादा आप परफेक्ट होते जाएंगे, जितनी ज्यादा आपके पास नॉलेज होती जाएगी, उतनी बड़ी टीम को संभालने का मादा आप रखते हैं, उतने बड़े लीडर को अपने साथ जोड़ने का मादा रखते हैं। कल को कोई बड़ा लीडर आके बैठ गया, आपके पास नॉलेज ही नहीं है, आपके पास इनकम ही नहीं है, क्यों ग्रोथ जरूरी है, क्यों रेगुलर इनकम जरूरी है, पता लगा 2 साल 2.5 साल हो गए लेकिन आपने अभी तक 50,000 की मैचिंग नहीं पकड़ी है। अब कोई बड़ा लीडर आपके पास आ जाता है, जी मुझे दिखाओ, सबसे पहले वो पूछेगा आपकी इनकम कितनी आ रही, तब आपको शर्मिंदगी आएगी अपनी इनकम बताते हुए। और गलती से आपने बता दी, वो कहेगा भाई साहब आपके साथ तो जुड़ना नहीं है, वो कंपनी से सीधा संपर्क करेगा, कंपनी तो सीधा हमारे यहाँ तो नहीं जुड़ेगा, और कंपनी में होगा तो कंपनी जोड़। इसलिए समय रहते रहते आपकी अचीवमेंट आती रहनी चाहिए, कम भी चेक आ रहा है तो रेगुलर आना चाहिए, इस बात पे आपको फोकस करना है। तो अटेंड ऑल मीटिंग ट्रेनिंग सेमिनार, नॉलेज यहीं से बढ़ेगी। क्योंकि मैंने 3 बातें आपको बताई थी, कौन कौन सी बातें बताई थी, सबसे पहली बातें मैंने बताई थी हंगर, यानी कि सफलता की भूख होनी चाहिए, दूसरा सीखने के लिए तैयार होना चाहिए, तीसरा कंसिस्टेंसी, ठीक है। तो सीखना मैंने पहले ही बताया था, इसी के लिए अटेंड ऑल मीटिंग ट्रेनिंग सेमिनार जूम मीटिंग में आपको आना है। और सातवां जो बेसिक है वो है अच्छी तरीके से जिसको आपने ज्वाइन कराया, अब उसका स्टार्टअप कराना। स्टार्टअप जितना मजबूती से आप कराएंगे उतनी मजबूत आपकी फाउंडेशन, उतनी मजबूत आपकी टीम बनाएगी। और आपके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, आपका स्टार्टर सबसे वीक है। स्टार्टअप कौन मजबूत कराएगा, स्टार्टअप वो मजबूत कराएगा जो 7 बेसिक्स को 100% खुद फॉलो करता हो। अब स्टार्टअप में क्या कराना है, जैसे ही कोई व्यक्ति ज्वाइन हुआ सबसे पहले उसको बताना है सर 100% प्रोडक्ट यूज अब आपको करना है। दूसरा उसको क्या बताना है, सर 50 आदमियों की लिस्ट बनाइए तब आपके साथ मैं काम शुरू करता हूं। अब छोड़ मत दीजिए उसको कि वो बनाएगा, उसके घर बैठ जाइए 50 आदमियों की लिस्ट बनाए, चलिए सर अब इनको एसटीपी कराते हैं और आप सीखिए सर प्लान, रिकॉर्डिंग पे डाल दीजिए, ऑडियो रिकॉर्डिंग मैं दे रहा हूं, प्लान को ध्यान से समझिए, वरना हमारे प्लान की वीडियो भेजिए उसको दीजिए, जगह जगह पे थोड़ा थोड़ा उससे प्लान कराना शुरू कीजिए, इससे उसकी झिझक खुल जाए।
तो जिस जिसको प्लान कराया उसको फोन करके पूछिए सर उसका फॉलोअप किया या नहीं किया, कॉन्फ्रेंस पे लीजिए, मैं बात करता हूँ। वो अकेला बेचारा बात नहीं करेगा, उसको झिझक होती है, कॉन्फ्रेंस पे लेके बात कीजिए, फॉलोअप कीजिए। और उसके बाद हर मीटिंग, हर ट्रेनिंग, हर सेमिनार, हर जूम में आप सबसे पहले दिखाई दीजिए, तब उसको बोल पाएंगे सर इसमें आना जरूरी है। और जब ये 6 काम आप उसको सिखा देंगे, उसको भी स्टार्टअप कराना आ जाएगा, आपका बिजनेस बढ़। ये 6 बेसिक 7 बेसिक जो है, जो इंसान अपनी टीम में मजबूती से आज से फॉलो करना शुरू कर देगा, ऐसा नहीं हो सकता सर 3 साल में उसका 1 लाख से लेकर 5 लाख रुपए चेक ना। लेकिन अगर आप ऐसे लोगों को जोड़ेंगे जो ना लिस्ट, जिनकी आप लिस्ट भी नहीं बनवाएंगे, जिनको आप मीटिंग ट्रेनिंग में भी नहीं लेके आएंगे, जिनको आप जूम में भी नहीं लेके आएंगे, जो लगातार काम नहीं करेंगे, जिनके आप प्लान भी नहीं करेंगे, जिनका आप फॉलोअप भी नहीं करवाएंगे, जिनको मीटिंग ट्रेनिंग सेमिनार में भी आप, फिर ये बिजनेस चल। तो ये काम जब आप करेंगे तो निश्चित रूप से जैसे हमारे सपने पूरे हुए और बहुत सारे लोगों के सपने पूरे हुए, आपकी अपलाइंस में कुछ लोग हैं जो अच्छा पैसा कमा रहे हैं, जिनकी अच्छी इनकम आई है, उनके कुछ सपने और कुछ जो दिक्कत परेशानी थी जीवन की, उस पैसे से दूर हुई है, तो आने वाले वक्त में निश्चित रूप से आपकी भी दूर होगी। आशा करता हूँ इन सारे पॉइंट्स को आप समझोगे। और यही एक्चुअल में ट्रेनिंग है। इस ट्रेनिंग पे जितना ज्यादा से ज्यादा जो आदमी फोकस करेगा, सबसे पहले कसम खा लीजिए आज के बाद 7 बेसिक्स पे सबसे पहले मैं उतरूँ। और 7 बेसिक्स में अगर आप अपने आप को चेक करना चाहते हैं तो सबसे पहली चीज आज ही चेक कर लीजिए। अगर आप इस मीटिंग में हैं और अगर आपने अपनी सेल परचेज नहीं की है तो आप 7 बेसिक्स में नहीं है, आप इस बिजनेस में कभी भी सफल नहीं हो सकते। और इस मीटिंग को समझाने के बाद भी अगर आप परचेज नहीं करते हैं और आपका अपलाइन भी आज की इस मीटिंग में और वो देख रहा है आप हैं और फिर भी आप परचेज नहीं करते हैं, तो आपकी अपलाइन को भी समझ में आ जाना चाहिए वो गलत आदमी के साथ काम कर रहा है, क्योंकि उसको समझाने के बाद भी समझ में नहीं आ रहा, वो अपने जीवन के प्रति, अपने परिवार के प्रति, जीवन के प्रति सीरियस नहीं है, उसके कोई ड्रीम नहीं है, उसके कोई सपने नहीं है, उसकी सफलता की जो चाहत है, भूख है, वो बहुत कमजोर है या है ही नहीं। ऐसे व्यक्ति के साथ हमें काम नहीं करना चाहिए। ऐसे व्यक्ति के साथ आप काम करेंगे तो आप कभी भी जीवन में सफल। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं और आशा करता हूं कि इन सब चीजों को समझ के आज से एक नई दिशा पे आप काम करेंगे। और अगर अपनी सेल्फ परचेज नहीं की है तो आज ही अपनी सेल्फ परचेज डालेंगे। इन चीजों को समझना पड़ेगा, जिसने 7 बेसिक्स को मजबूती से किया और अपनी टीम में कराया है वही नेटवर्क बिजनेस पर राज करता है, उसी को बड़ी सफलता। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट, वी कैन अचीव इट।